गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद चुए। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। छुट्टी ज्यादा नहीं करना शुरू कर दिया आपने? अच्छी बात है, कभी कभी करनी चाहिए। कभी कभी करनी चाहिए। आपने कभी भी कर ली और कभी भी कर ली, अब अभी अभी नहीं करना। बस ठीक है, डन हो गया। ठीक है, आपको छुट्टी नहीं? जब तक हूँ नहीं करूंगी छुट्टी। ठीक है, इस महीने कोई छुट्टी नहीं करनी आपने? मैं इस महीने तक चले जाता हूँ, अभी छुट्टी नहीं करनी आपने। अरे जैसे काम आपको करना पड़ जाए, बड़ी आपको तकलीफ है। जो अभी भी काम करूं, कल भी किया था काम। नहीं, मतलब ज्यादा काम आपको करना पड़ जाए ना, तो आपको बड़ी देखिए दो एंकर का फायदा होता है ना। सवाल पूछने के लिए आपको कोई मिला नहीं होगा, है ना? कल का सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट था ना। कल फ्रूट से मुतालिक हमने बात की थी। आई एम अ फ्रूट लवर। सुबह सुबह नहीं खाती, लेकिन मैं दिन के किसी भी वक्त खा लेती हूँ। कल यही हमारी बात भी थी कि मैं दिन में खाती हूँ, शाम में खाती हूँ, प्रॉब्ली रात में भी खा लेती हूँ। रात में कहते हैं फ्रूट नहीं खाना चाहिए, इससे पहले आप मुझे भी यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं नहीं सबीन, कल की रिसर्च में था कि सुबह नहीं खाना, रात में खाएं। हैं तो इसका मतलब मैं ठीक करती हूँ जिंदगी में। निहार वो फ्रूट्स ना खाए, कल हमने ये बात। जिंदगी में कोई काम है जो मैं ठीक करती हूँ? आई एम फीलिंग प्राउड विद 59 अदर्स। अब मेरा ऑपोजिट हो गया ना, मैं सुबह खा रहा था और रात में नहीं खाता था, तो मेरे लिए वो रिसर्च ऑपोजिट साबित हुई। तो आपने मतलब वो जो एक काम लगता था ठीक करते हैं, वो भी नहीं करते। वो भी नहीं करता। चले, मेरा ख्याल आप कुछ और ही करते हैं। मामला खराब है इधर। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। एक और खबर हमारे पास आज जो है वो है कम वक्त में, यानी बहुत ही मिनिमम टाइम में ज्यादा गुब्बारे फोड़ने। वैसे तो हमारे घर में बच्चे ये रिकॉर्ड कायम कर रहे होते हैं बर्थडे पार्टीज में, या अदरवाइज जब गिनीज में नाम तो नहीं ऐड हो गया, गिनीज में नाम ऐड नहीं उनका होता, लेकिन जिसने गिनीज में नाम ऐड कराया आज हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है ऐसी खबरें जब शेयर होती हैं तो आपसे हम उसकी डिटेल्स भी शेयर कर लेते होते हैं। और ऐसे में हमारे पास जो खबर है वो इसी से मुतालिक है कि कैसे रिकॉर्ड बनाया। डेविड रश है, उन्होंने कम वक्त में ज्यादा गुब्बारों को मुक्के मार कर फाड़ने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। डेविड रश ने टीवी सीरीज लाइव विद केली एंड मार्क में नमूदार हुए और एक मिनट में 600 गुब्बारों को मुक्के मार कर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाला। ऐसे ही मैं भी कर लूं। अच्छा, मुझे लगता है कितने फाड़े भरे उन्होंने गुब्बारे, पता आपको? मैंने कितने 600 फाड़े उन्होंने एक मिनट में, 600 गुब्बारे। तो अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात तो सही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। पहले इन्होंने 327 गुब्बारों का रिकॉर्ड कायम किया था और अभी 630 गुब्बारे इन्होंने। वैसे इट्स फन, कितनी उनके लिए थेरेप्यूटिक सही है। नहीं, 630 लगाए थे, बल्कि 600 आप सही कह रहे हैं, 630 लगाए थे और 600 उन्होंने फाड़े ना। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया। वाह जी वाह। वैसे मैं कह रही हूँ कितने थेरेप्यूटिक है ना, आपको किसी पे गुस्सा आया और गुब्बारे लगा दो, कंपटीशन चलाओ, उसके बाद मुक्के मार मार के गुब्बारे फोड़ दो, किसी का सर फोड़ने। एग्जैक्टली, मतलब इट्स फन ना। आप अगर कोई गैदरिंग है आपके घर की, कोई बर्थडे का आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड एक्टिविटी कि आप चले 600 गुब्बारे ना लगाएं, लेकिन कम अज कम 200 लगा लें, 100 लगा लें, और इसके बच्चों को आप एंगेज कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी। इवन हम अपने ईद शोज पे कर सकते हैं, जब सेलिब्रिटीज आती हैं हम ये भी कर सकते हैं, गुब्बारे लगाएं और उनसे कहें गुब्बारे फाड़ें। करेंगे, वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं जनाब, और दीगर खबरें शामिल करते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। कल ये मैंने मौसम बताया था आपको, आज मैं आप जिम्मेदारी निभाइए। दोनों की मर्तबा हम जिम्मेदार रहे। इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के मौसम आज कम से कम 24 ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 26 ज़्यादा 34, कराची में कम से कम 26 ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, पेशावर में कम से कम 24 ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कोयटा की बात करें कोयटा में कम से कम 16 ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है जो आज का मौसम। शुएब, आपको मेरा ख्याल है वो एडिक्शन? नहीं नहीं, मैं बस कुछ चीजें पढ़ रहा था। आप चेक कर रहे थे एक्यूरेसी के? नहीं, आगे कुछ खबरें देख रहा था। एक्यूरेसी मैंने क्या देखनी? अच्छा, आपकी बात पे एतवार है मुझे। मैं ये कहना, मुझे तो खुद एतवार नहीं है आपको कैसे, लेकिन ओवरऑल मुझे ये एतवार है कि जो मर्जी बता दें गड़बड़ हो जाती है मौसम। इज अनप्रेडिक्टेबल, दिस इज क्लाइमेट चेंज, जिसको हमें एडमिट करना पड़ेगा कि आपको नहीं पता कि अगले कुछ टाइम में क्या हो जाएगा। बट फिलहाल का मौसम अब तक का ये है जो इम्कानात हम जाहिर कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली आगे चल के देखते हैं। लेकिन देखें, वो जो बारिश की एक थी पेशन गोई, वो थोड़ी सी हमने बारिश देखी, उसके बाद बारिश नहीं हुई है ना? बारिश नहीं हुई। हाँ, मॉनसून इज लाइक दिस, हो जानी चाहिए, हो हाल के थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत नुकसान और रहमत की बारिश बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं फ्रांस। सर्फिंग के खेल, इसमें खवातीन और अकलियतों की ज्यादा शमूलियत के लिए एक फेस्टिवल का इनेकाद यहां पर हुआ है, क्वीन क्लासिक सर्फ फेस्टिवल। यहां पर कई खवातीन ने शिरकत की, समंदर की लहरों पर सर्फिंग का लुत्फ उठाया,
और इस खेल को रिवायती तौर पर जो तस्वीर किया जाता है कि अमीरों का खेल है, मर्दों का खेल है, इसकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है। अच्छा, मुश्किल तो अपनी जगह होती है, महंगी बहुत ज्यादा होती है। लोग इसके लिए एनरोल ही नहीं करते कि इतनी महंगी ट्रेनिंग कौन ले। तब खवातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए इस फेस्टिवल का इनका किया गया, जैसे आपने खुद भी कहा कि बहुत महंगा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और कम ये ज़ाहिर है कम वक्त में आप सीख लेते हैं, अगर आपके अंदर सलाहियतें बहुत ज़्यादा, वरना थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। सही है। अच्छा, वैसे अगर आपको ये मौका दिया जाए तो आप कितने दिनों में इसको सीख सकते हैं? मुझे सीखने का नहीं पता, बट आई वुड लव टू ट्राई दैट। यू वुड लव टू ट्राई, मुझे लगता है कि नहीं कर सकता। मतलब मेरी अगर बात की जाए, आई एम नॉट अ क्विक लर्नर। मैं मुझे बहुत टाइम लगता है कोई नई चीज सीखने में, स्पेशली जिस चीज से मुझे डर लगता है, तो पानी मुझे डर लगता है। तो आई थिंक मुझे पानी से डर नहीं लगता, लेकिन आई थिंक सर्फिंग इज वेरी टफ, वेरी टफ। एग्जैक्टली, आपको बैलेंस क्रिएट करना होता है और सब। हमारी एक किसी एक्ट्रेस ने भी कुछ ट्राई किया था, मावरा हुसैन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ दिन पहले मावरा ने किया था। हां, एग्जैक्टली, उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई थी एंड इट वाज फन। मुझे बड़ा अच्छा लगा देखे। खवातीन जा रही है भाई फिल्म में भी। हां, चलें आगे बढ़ते हैं जी। पुर्तगाल ने अपने मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम का सिक्का जारी किया है। सिक्का राजुल वक्त ऐलान किया उन्होंने। पुर्तगाल अपने अजीम फुटबॉलर के खेल के मैदान में शानदार खिदमात के एतराफ में 7 यूरोस का सिक्का जारी करेगा, जिसका आपने सभी बताया कि ऐलान अभी कर दिया है इन्होंने। इस खास सिक्के पर रोनाल्डो की तस्वीर, उनका नाम और शर्ट नंबर CR7 नक्श होगा। ये सिक्का मुल्क भर में करेंसी के तौर पर काबिल कबूल होगा। गुज़श्ता दिनों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने प्रोफेशनल करियर में 900 गोल स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर होने का एजाज भी हासिल किया था। बस इतना फेमस होना ये थोड़ा ज्यादा है। जिंदगी में कहना आपकी अच्छा ख्वाहिश तो किसी की भी चीज की, जिंदगी में क्या ख्वाहिश आप कर सकते हैं, तो वो ख्वाहिश की अगर बात की जाए तो इतना फेमस होना वैसा ना। अच्छा, इसमें कुछ लोग सवाल भी करते हैं सभी इनके, मनी एंड फेम व्हाट ड्राइव्स यू? अब आई थिंक अगर आपके पास बैलेंस ऑफ बोथ, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम मनी और फेम, मुझे लगता है दोनों में से कोई एक चीज भी आपके पास वक्त है तो दूसरी फॉलो कर रही होती है। लाइक अगर आपके पास फेम है, अगर आपके पास फेम है तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, बिकॉज लोग आपको अप्रोच करते हैं बहुत सारे कामों के लिए और सब कुछ। और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके अपना फेम बना सकते हैं। सो आई थिंक इंटरलिंक्ड है, दोनों इंटरलिंक्ड है। सही बात है। चले आगे बढ़ते हैं जी अगले मौजू की तरफ, और बहुत अहम मौजू इस पर आज हमने बात करनी है। लबनान, यहाँ की सिचुएशन की बात करते हैं। पेजर्स के बाद अब वॉकी टॉकीज में भी धमाके रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 20 अफराद जान बहक हुए हैं, 450 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। हिजबुल्ला के ज़रिए इस्तेमाल ये वायरलेस सेट्स थे जो कि फटे हैं, और ज़ाहिर हम दो दिन से देख रहे हैं पेजर्स धमाकों से मुतालिक खबरें आ रही हैं, जिसमें पेजर्स धमाकों की बात करें 12 अफराद जान बहक हुए थे। बहुत से ऐसे अफराद जिनकी आंखें मुतासर हुई हैं, ईरानी सफ़ीर समेत 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। पहले खबर आ रही थी रानी सफ़ीर से मुतालिक कि उनकी आंख ज़ाया हुई है, फिर बताया गया कि नहीं, आंख में मामूली ज़ख्म आया है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक शख्स जो कि एक जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद था, वहाँ पर उसका जो वॉकी टॉकी और पेजर वट एवर इट वॉज, तो वहाँ पर भी धमाका हुआ। अब इससे हो ये रहा है कि खत्ते में कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई है। लेबनानी फ़ौज की जानब से वॉकी टॉकी डिवाइस को तबाह करने का जो आगाज़ है वो भी सामने आ रहा है। वॉकी टॉकी डिवाइसेस के कंट्रोल शुदा धमाके जो हैं वो किए गए हैं, ये रिपोर्ट हो रहा है। कंट्रोल धमाके अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत मेडिकल सेंटर के बाहर किए गए हैं। अच्छा, इसराइली काबीना ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को हिजबुल्ला के खिलाफ हमले शुरू करने का इख्तियार दे दिया। पहले क्या खबर आ रही थी कि खामोशी थी, इसराइल इसको एडमिट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इसराइल की कैबिनेट ने आर्मी चीफ को भी और वज़ीर आज़म को भी कहा है कि आप हमले करें हिजबुल्ला पर। तो इसी मामले में बात करते हैं। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई उमूर के तज़्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, ये सारा मामला जो हमने भी बयान किया और जेर गर्दिश भी है हर तरफ न्यूज़ में, हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया हम देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अब आपको खित्ते पर क्या नज़र आता है? देखिए, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसराइल ये क्यों कर रहा है। इसराइल के 2-3 टारगेट से जब उसने गाजा पे अटैक किया है, पैलेस्टाइन पे किया, नंबर वन वो चाहता था कि हमेशा के लिए हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दे। नंबर टू टारगेट ये था कि ये जितने पैलेस्टीनियन को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करो, इनके इतने लोग मार दो, औरतें बच्चे बूढ़े हुए वरान, और उसके बाद इनको जॉर्डन और इजिप्ट में पुश कर दो ताकि यहाँ से चले जाएँ, और तीसरा था कि अपने जितने प्रिजनर्स हैं उनको रिट्रीव कर लें। तीनों में नाकाम हो गया, इसलिए अब उसको अपने जो होम ग्राउंड है अपने घर में इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन है, बहुत स्ट्राइक्स हो रही हैं, और उसके बाद एक ही तरीका है कि इसको वॉर को एक्सटेंड कर देगा। जितना एक्सटेंड करेगा उतना ही उसको ज़्यादा स्टे करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नेतन्याहू का टेन्योर इज ऑलमोस्ट ओवर। तो पेजर में उसने ये किया कि ये पेजर बेसिकली ताइवान से खरीदे गए हैं तकरीबन 5,000 के करीब,
और उसमें हुआ ये कि उसके बाद ये किया इन्होंने कि ये सारे के सारे इनमें उसने एक्सप्लोसिव डाल के और ये उन्होंने दे दिए हैं लेबनान में, जब लेबनान ने ये ताइवान की कंपनी खरीदे, वो अभी ये उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्चुअली दे वांट टू एक्सपेंड द वॉर, जितनी ये लड़ाई को फैलाएगा उतना ही ज़्यादा इसके सिक्योरिटी होगी एज ए प्राइम से रहने के लिए। पीपल हैव स्टार्टेड हेटिंग इन इजराइल एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वजह है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ना तो हिजबुल्लाह को ये ख़त्म कर सके हैं, ना ये हमास को ख़त्म कर सके हैं, ना होती जो यमन में उनको कर सके, तीनों की तरफ से इनको अभी भी थ्रेट है। इसलिए ये एक्चुअली इसराइल इज लूजर, इसराइल इज लूजिंग अब, और उस हारने के चक्कर में ये एक्सटेंड करता जा रहा है, अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। दैट इज़ द रीज़न ये दुनिया में इस वक्त अब हिजबुल्लाह की तरफ क्यों टर्न कर रहा है। और जो बयान इसराइली वज़ीर दिफा का है हारिस नवाज साहब, वो बहुत अहम है कि जिसमें वो कहते हैं कि अब जो जंग होगी और उसका मरकज़ शुमाल की जानिब मुंतकिल होगा, जहां इसराइल की लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर झड़पें हम देखते हैं होती रहती हैं। तो इस बयान के हवाले से आपकी राय क्या है, यानी और कशीदगी फैलेगी? देखिए, इसमें यह है कि नॉर्दर्न साइड पर इसराइल के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में माइग्रेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। इसराइल वेरी सेंसिटिव के ये अगर हॉस्टिलिटीज हो तो वो अपनी जान की बहुत फिक्र होती है, और दिस इज द रीजन के वो अब इसके नतन्याहू के बहुत सख्त खिलाफ हो रहे हैं, और ये वॉर को खुद ब खुद फैलाता जा रहा है, अब हिजबुल्लाह में लेके जा रहा है, और फिर इसके बाद इसके होती इसकी तरफ भी इसका रुख है, फिर इसके हमास के पता को पता ही कि वो क्या करना चाहते हैं, अभी खानिया को उन्होंने दे मर्डर दे रहा, बिल्कुल तो ये चीज़ें देखने के लिए बात है कि ये एक आज भी अमेरिका जो यूनाइटेड नेशन में रादार पास हो रही है जो इसके ऊपर के लिए फीस फायर कर दी जाए, लेकिन ये एक बिल्कुल वो रोग एलिफेंट बना हुआ है जो किसी के पास सुलता नहीं, क्योंकि इसको टेस्ट। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं, यूएन के करारदाद सर सिर्फ 14 वोट उसके मुखालिफत में पड़े, और बाकी अगर हम वोट्स देखें तो बड़ी तादाद है जो कि ज़ाहिर है उसकी हक में है, 124 के लगभग वोट। तो फिर यूएन का किरदार क्या हो सकता है? करारदाद भी मंजूर हो गई, ये भी कह दिया गया कि जितने इलाके फलस्तीन के वो एक साल में खाली करे इसराइल, पर वो कर तो नहीं रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि उसको आप सामने यूरोप और अमेरिका की उसको सपोर्ट हासिल है। तो ये जो एक ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, इतनी सिविलाइज वर्ल्ड की बात करते हैं, ये कहाँ पर है कि ये एक तकरीबन 42-47 हज़ार शहीद हुए फलस्तीनी, और अभी जो टेबरीज में दबे हुए ना वो भी कुछ 20-25 हज़ार है, इमेजिन करें। और वो अपने लोगों को पता ही नहीं है कि वो बेचारे दबे हुए, और 90,000 जख्मी हुए हैं बिल्कुल, और वहाँ के जो डॉक्टर जो जाते हैं वो अमेरिकन भी जाके वो वहाँ बताते हैं दिस इज स्टेट, और स्कूल में कॉलेज में हॉस्पिटल के अंदर ये जाके वो अटैक करें, क्योंकि ये दोनों मैट इसलिए कि उसको अब नज़र नहीं आ रहा ना जंग वो जीत सक रहे और ना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो चाहता था मैं और अपना इकतदार बढ़ा लूँगा, वो भी नहीं बढ़ रहा, तो जितनी लड़ाई होगी बस जब तक ये उसको खत्म नहीं होगा, दैट इज द रीज़न। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो है ना ये दुनिया में दोगली पॉलिसी वाले, नाउ दे हैव टू सी कि ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ है, उसको कम अज कम देख के ख्याल करें। दैट्स ट्रू, अगर आप क्लेम करते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं तो ऑब्वियसली उस लिहाज से आपको दोहरी पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए, दोहरा बयान नहीं रखना चाहिए। किसी की जान जा रही है तो वहाँ पर डिप्लोमेसी कोई किसी किस्म का वर्ड नहीं है और उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होनी, यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका स्टांस क्या है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया हारिस साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, दीगर खबर भी शामिल करने हैं, सेगमेंट्स भी आज प्रोग्राम का, इसकी तरफ बढ़ेंगे ब्रेक से, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, बात करते हैं कैसे फैसले की जिसने पंजाब के बिजली सारफीन को काफ़ी परेशानी में मुबतला कर दिया है, यानी सबको ही तकरीबन परेशानी में मुबतला कर दिया, कि ऐलान होता है कि रिलीफ मिलेगा फिर रिलीफ नहीं मिलता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह सबीन कहा था कि बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट हम रिलीफ देंगे, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं हमें मिला ही नहीं। एग्जैक्टली, इसकी वजह क्या सामने आ रही है? अच्छा, वो कहते हैं जी फेज़ वन और फेज़ थ्री वो कुछ उनकी टेक्निकलिटीज़ है जो कि इन्वॉल्व हैं इसमें, कहते हैं कि अच्छा इसलिए कुछ लोगों को रिलीफ मिला है कुछ को रिलीफ नहीं मिला। तो वन वालों को मिला या थ्री वालों को? वन वालों को मिला, थ्री वालों को नहीं मिला। हालांकि ऐलान थ्री का भी था, हाँ शुरू में इसकी क्लैरिटी नहीं थी, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें इसी पर सवाल करते हैं ना, फिर उमेर हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया उमेर। ऐलान तो कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और।
बिल्कुल जी, ऐलानात तो कर दिए जाते हैं कि बिजली सार्फीन जो हैं उन्हें रिलीफ दिया जाएगा और 2 महीने के लिए दिया जाएगा, जिसके बाद लेस्को सार्फीन जो 5 जमीन पर मुश्तमिल है उनके जितने भी सार्फीन थे उनमें ज़ाहिर है खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि सबसे जो एक मुश्किल मरहला होता है वो बिजली, हर महीने बिजली का जो बिल अदा करना है उसकी अदायगी होती है। लेस्को के 65 लाख से ज़ायद सार्फीन हैं, जिनमें से जो ऐलान किया गया था उसमें 38% जो सार्फीन हैं जो 201 यूनिट से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फीन हैं सिर्फ उनको ये रिलीफ मिलना था। और जो 3 फेज़ मीटर जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बड़ी टेक्निकल सी एक बात है, जो सिंगल फेज़ सार्फीन हैं वो उनकी बड़ी तादाद लेस्को ऑफिस जो है वो आती दिखाई देती है, शिकवा करती दिखाई देती है लेस्को मुलाजमीन से, लेस्को के जो हाई अप्स हैं उनसे, लेकिन लेस्को की जानिब से कह दिया जाता है कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था वो तो यही था कि 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फीन हैं उन सबको जो है अक्रॉस द बोर्ड 14 रुपये फी यूनिट के हिसाब से जो है वो बिजली में जो रिलीफ दिया जाएगा, यानी 500 अगर कैलकुलेट करें 38 रुपये यूनिट था तो तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली 19,000 रुपये बनता है, लेकिन 24 रुपये यूनिट जो है, 14 रुपये जो यूनिट माइनस किया गया था जो रिलीफ दिया जाना है उसमें 24 रुपये यूनिट जो है वो बिजली के सार्फीन को जो अदा करना पड़ता है, ये तकरीबन 11 और 11,500 रुपये बनता है। जो बहुत सारे सार्फीन ऐसे हैं जिन्हें रिलीफ मिला वो तो खुश हैं, लेकिन ऐसे सार्फीन जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं और सिंगल फेज सार्फीन हैं उन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया है। लेस्को की जानिब से कहा जाता है कि जितने भी सार्फीन उन तक अपने बिलों की ठीक कराने के लिए आते हैं तो उन्हें एक साथ कर दी जाती है, उनकी किस्तें बना दी जाती हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का रिलीफ जो है वो फराहम नहीं किया जाता है। यहाँ पर लेस्को की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो 3 फेज़ सार्फीन हैं जो 3 फेज़ मीटर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उन्हें जो है रिलीफ दिया गया है, बाकी जो सिंगल फेज सार्फीन हैं उन्हें रिलीफ नहीं दिया गया है। जी अच्छा उमेर, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें लग रही है, क्योंकि जो मैं भी पढ़ रहा था कि सिंगल फेज़ वालों को मिल रही है और 3 फेज़ वालों को नहीं मिल रही, जो आप बात कर रहे हैं कि नहीं सिंगल फेज़ वालों को नहीं मिल रही और 3 फेज़ वालों को मिल रही है, मैं इसलिए क्लैरिटी चाह रहा हूँ एक दफ़ा दोबारा आपसे। बिल्कुल जी, देखिए जो मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपने ना, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स है ना इसलिए हमने कहा कि जरा क्लियर कर लें। सार्फीन है जी जी जो जी 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 जो 1 यूनिट से 200 यूनिट तक जो सार्फीन जिनकी कंजम्पशन है महाना की जो बिटवीन 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, लेस्को की जानिब से कहा जा रहा है उन्हें पहले ही रिलीफ दिया जा रहा है, उनके बिलों में पहले ही टैक्सेस भी कम दिए जा रहे हैं और उनके साथ साथ जो बिजली का टैरिफ है वो भी कम उनसे वसूल किया जाता है और उनकी पहले ही सेग्रीगेशन की जाती है और पहले ही उनको रिलीफ मिल रहा है ऑलरेडी। इस वजह से जो सिंगल फेज सार्फीन है उन्हें किसी किस्म का रिलीफ जो है इस ऐलान के बाद जो है वो नहीं मिल रहा नहीं है मिल रहा। और जो सार्फीन जो 3 फेज़ यूनिट जो सार्फ इस्तेमाल करते हैं जिनका मीटर 3 फेज़ है जो 201 यूनिट से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं और जो 500 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें तो किसी किस्म का रिलीफ है ही नहीं। उमेर मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि बाकी बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन 2 बातें हैं उमेर। एक मामला आपने यूनिट की कंजम्पशन क्या की, दैट डजंट मैटर कि आपका मीटर किस फेज का था, और एक है कि मीटर किस फेज का था उस पर क्या इम्पैक्ट उसका आएगा। तो जो आप बात करें उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर 1 से 200 यूनिट आपने इस्तेमाल किया तो वो फेज़ 1 में काउंट हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। मीटर तो मीटर है, वो काउंट हर बार डिफरेंट अंदाज से तो नहीं हो सकता, इट कुड बी आइदर फेज़ 1 और फेज़ 3। नहीं नहीं देखिए, जो सिंगल फेज मीटर है वो इंस्टॉलेशन ही उन्हीं घरों में होती है जहाँ पर बिजली की कंजम्पशन जो है वो कम होती है। बिजली का जब आप मीटर लगवाने के लिए अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें आपको जो कंजम्पशन होती है जितनी आप बिजली को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी होती है वो दर्ज करते हैं, उस हिसाब से आपको सिंगल मीटर और 3 फेज़ मीटर जो है वो फराहम किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और ज़ाहिर है इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो ऐलान हुआ था उसका फिर इम्पैक्ट उस तरीके से अभी प्रॉपर मौकफ नहीं आया लेस्को का, उस तरह से लेस्को का उस तरह से ज़ाहिर है बता रही है लोगों को वापस भेजा जा रहा है, बट लेट्स सी। नहीं उनका आपने मौकफ सुना नहीं लेस्को का, वो मरियम नवाज साहब नहीं वो लेस्को के पास जो जाता है वो कहते हैं हाँ ठीक है आपको हम ऐसा कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं।
आई मीन यू हैव टू पे द बिल, मेबी इट्स इन इंस्टॉलमेंट, देना तो है ना बिल आपने, पैसे तो आपने ये अदरवाइज भी होता है, आप बिल लेकर जाएं, बिल ज्यादा है तो इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी कर दी जाती है। सही बात है। और वैसे ही दुख इस बात का होता है कि आप जब मार्केट में जाते हैं और वहां पर लोग अपने घर का सामान जब बेचने के लिए आए होते हैं ना, स्पेशली जो उन्होंने गोल्ड बनाया हुआ होता है, मैंने मैंने खुद पर्सनली देखा है कि खवातीन आ रही हैं और कोई बालियां दे रही है अपनी, कोई अपनी चूड़ियां दे रही है, कोई अपनी रिंग्स लेके आ रही है, उनकी कीमतें शायद इतनी ज्यादा नहीं होंगी, बट वो कह रहे हैं जी इस महीने का और शायद अगले महीने का बिल इससे पे हो जाए, और कुछ का तो सिर्फ एक महीने का बिल उससे जो है वो पे हो रहा हो। तो जाहिर है आवाम भुगत रही है कुछ भी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो हुकूमत ये दावा करी है कि महंगाई की शरह में तो कमी हुई है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि 9 माह में अगर हम देखें तो महंगाई की शरह 33% से कम होकर 9% हो गई, दावा है उनका। पेट्रोल की अगर बात की जाए, 4 बार वैसे लगातार कीमत कम तो हुई है, 35 रुपए तकरीबन अगर 2 माह के अर्से में अगर देखा जाए तो 35 रुपए जो है ओवरऑल जो है वो कमी। लेकिन रिलीफ मिला। पॉइंट यहाँ पे सारा ये कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आप जो बजटिंग अपनी कर रहे होते हैं उसमें तो पैसे आपके पास बच ही नहीं रहे होते हैं, लोगों को तो सस्ता कुछ मिल नहीं रहा मार्केट में, परेशान है और सवाल कर रहे हैं कि जो हुकूमत का दावा है ये दावे की हद तक तो नजर आता है लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट्स में नजर नहीं आता। और स्पेशली जो हम बात करते हैं ना कि महंगाई की शरह 33% से कम होकर 9% रह गई है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आज इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे और ये इम्पैक्ट क्यों आवाम को नहीं मिल रहा है इस पर बात करेंगे। मायरे मईशत कोमल शकील साहब ने हमें ज्वाइन किया, कोमल साहब बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन किया। सबसे पहले यही बताइए 33% से कम होकर 9% हो जाना महंगाई की शरह क्या मतलब होता है इसका? अच्छा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वो कैलकुलेट कैसे होता है, इसका मतलब क्या ठीक है? ठीक है, इन्फ्लेशन या फ्रातेजर जो है महंगा, इसको इस तरह से मत देखें कि महंगाई में कमी हो रही है, इसमें ये कि प्राइसेस जो हैं, कीमतें जो हैं, वो जिस तरह से स्पीड से बढ़ी थी उसकी स्पीड कम हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, इसलिए आपके लिए छोड़ा कि आप बताएंगे महंगाई हो रही है, अगर पहले महंगाई यूं हो रही थी तो अब हल्की सी यूं हो गया, हो रही है सस्ती नहीं हुई चीजें। लेकिन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में फर्क है, जब डिफ्लेशन होगी ना वो इकोनॉमी के लिए ठीक भी नहीं होता, बिकॉज डिफ्लेशन का मतलब ये है कि अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेशन हो रही होती है इकोनॉमी हीट अप हो रही होती है, इन्फ्लेशन का मतलब ग्रोथ भी है क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है इकोनॉमी में, लोग कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हैं तो इसलिए महंगाई कीमतें ऊपर होती हैं। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, जिसमें थोड़ी सी बेसिक्स भी पता होगी, आम बंदा भी समझ सकता है कि किसी चीज़ को आप किस तरीके से उसकी मार्केट में डिमांड है और फिर उसकी सप्लाई के हिसाब से उसकी प्राइस डिटरमिन होती है। तो इन्फ्लेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, चीज़ें सिर्फ थोड़ी कम तेजी से बढ़ रही है, मजीद महंगी, हाँ महंगी हो रही है लेकिन थोड़ी स्लो हो गई है स्पीड। मतलब जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मेरे पास मैं कोई चीज़ मार्केट से लेने जाती हूँ और हर हफ्ते उसकी प्राइस बढ़ रही है और मेरे पास उतनी मेरी इनकम तो उस तरीके से नहीं बढ़ी, जो कि हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है कि जो वेजेस हैं या तनख्वाहें हैं वो तो उस तरीके से नहीं बढ़ी होती हैं। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप अपनी आपकी बजटिंग सारी आउट हो जाती है, तो ये एक तरह से ये खुशाइन बात है क्योंकि जिन जिन बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है ये फिगर, उसके अंदर चीजें ऑलरेडी सस्ती हो चुकी हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको। ऐसा नहीं है कि नीचे जाएगी इन्फ्लेशन तो फिर चीजें सस्ती होंगी, चीजें सस्ती हो चुकी होती हैं फिर उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन के फिगर में नजर आता है। मतलब सस्ती नहीं होती, मतलब कम तेजी से बढ़ी होती है, तो कभी भी प्राइस वापस नीचे नहीं आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कम कम बढ़ेगी पर आपको वो टाइम मिल जाएगा। तो आम बंदे के लिए, आम आवाम के लिए इसका फायदा सिर्फ इतना है कि वो थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन अगर कम तेजी से बढ़ी है दैट इज अ गुड साइन, लेकिन इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन का स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपका जो भी जिस रेट से भी आपकी प्राइसेस बढ़ी अगर वो स्टेबल है ना तो आप अपना इंडिविजुअल लेवल पे इंफरादी तौर पर भी और हाउस होल्ड लेवल पे भी अपनी प्लानिंग बेहतर कर सकते हो, बिजनेस कम्युनिटी भी अपनी प्लानिंग बेहतर कर सकती है क्योंकि उन्होंने जो भी अकाउंटिंग करनी है बजटिंग करनी है वो उस रेट के अकॉर्डिंगली करेंगे। ऑलरेडी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आगे का तो मुझे पता ही नहीं, लोग आज सोच रहे होते हैं, वैसे ये बात सच है, आप आज का पूरा नहीं कर पा रहे, आप आगे का तो लोग सोच ही नहीं पा रहे होते क्योंकि आपकी तो सेविंग्स ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर ये है ना, ये थोड़ा लॉन्गर टर्म चीज है, ये जो इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बेशक अभी हम कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो थोड़ी कम तेजी से बढ़ रही है लेकिन इन इट सेल्फ ये काफी नहीं है बिकॉज फिर हमारी इनकम तो नहीं बढ़ रही ना उसके साथ। तो अगर लोगों के लिए बेहतरी करनी है तो ये एक चीज नहीं है, इससे सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है स्टेट बैंक ने जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो टाइट रखा हुआ है, इस वजह से मार्केट में उस तरीके से अब पैसा सर्कुलेट नहीं कर रहा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो ये एक है सेगमेंट है इकोनॉमी का, चलो ये अच्छा हो गया, अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को एकदम से उसका रिलीफ मिलने लग जाएगा, कहीं ना कहीं प्राइसेस कम हुई होंगी, कुछ चीज़
चीज़ों की प्राइसेस कम है, अनियंस वगैरह, ये प्याज, लेकिन टमाटर बढ़ गए. अच्छा, तेल जो है वो कंसिस्टेंटली कम हुआ है. ये पहली दफ़ा हुआ है इन टू ईयर्स के थ्री फोर मंथ्स जो है वो कंसिस्टेंटली प्राइसेस नीचे गई हैं ऑयल की. बिकॉज जो ऑयल है, ये फ्यूल जो है, ये बहुत सिग्निफिकेंट उसकी वेटेज है ना हमारी सीपीआई बास्केट में. कि क्या होता है ना, कैसे एक बास्केट है उसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, सबको कोई ना कोई इंपॉर्टेंस दी हुई है और उसकी बेसिस पे वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो रही है. तो वो उसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन फायदा तब होगा जब ये काफी देर तक यहीं रहेगा, स्टेबल रहेगी, तो उसके बाद फायदा हमें नजर आएगा. तो पेट्रोल प्राइसेस जो हम कम होते देख रहे हैं दो माह के अंदर, हम काफी खुद भी आपने जिक्र किया उसका, उसका इम्पैक्ट कब तक आप मार्केट में हम देख सकते हैं कि चीजें, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कोमल साहिबा कि अगर आप प्याज की बात कर रही हैं तो टमाटर महंगा हो जाएगा, टमाटर सस्ता होगा तो ऑयल महंगा हो जाएगा. बिल्कुल. तो ये हम तो सिर्फ एक तरह से फ्लक्चुएशन ही देख रहे होते हैं. बिल्कुल. ये देखो, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है बिफोर पीपल कैन स्टार्ट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट अगेन. कोई ट्रस्ट डेफिसिट तो हमारा बहुत पुराना मसला हो गया है और अभी रीसेंट टाइम्स में भी बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि तेल की कीमत नीचे आती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में उसकी प्राइस नीचे आ गई ना, लेकिन आप उसको मेनटेन नहीं कर पाते. पहले आप उसको नीचे करते हैं, फिर आप उससे डबल उसको बढ़ा देते हैं. तो जो वो जो सर्कुलेशन होनी है ना पैसे की इकोनॉमी में, जो बाकी मतलब चीज़ों की प्राइस भी नीचे जानी है, ये देखे कि हमें सस्ता पड़ रहा है अपना ये ट्रांसपोर्ट करना, ये चीजें, ये तब होगी जब उनको नजर आएगा कि ये अब जिस तरह अभी हमने तीन चार महीने में देखा कि कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है और फिर वहां पे स्टेबल है. अगर नहीं होगा तो शॉर्ट रन में तो वो अपना प्रॉफिट अपने जेब में डाले, ठीक है, ये जो हमारा मार्जिन हमें मिल रहा है, प्राइसेस सस्ती हुई है, वो कंज्यूमर को उसका बेनिफिट पास ऑन. वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रही हैं वो हम यही देख रहे होते हैं. हम भी उस दिन यही डिस्कशन कर रहे थे कि आप 300 रुपए कीमत सेट कर दें, 150 से 300 पे ले जाएं और फिर 300 का आप दो तीन महीने में उसको 250-260 पर लेकर आ जाएं. वो 150 पे तो वापस नहीं आई ना, लोगों के लिए तो वो महंगी है, आप जितनी मर्जी उसकी बात कर लें. तो वो आई विल रिएटरेट माई पॉइंट अबाउट स्टेबिलिटी कि जब इसका बेनिफिट जो है ना लार्जर इकोनॉमी में सिर्फ तब होगा लॉन्ग रन में जब ये कंसिस्टेंटली स्टेबल रहेंगी, कंसिस्टेंटली लो रहेंगी. कैसे कंसिस्टेंट होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, बिल्कुल. तो इसमें जो है ना थोड़ा वी हैव टू सी कि एक तो हमें थोड़ा सा इस मुल्क में टेक्नोक्रैट्स के ऊपर भरोसा ज़्यादा करने की ज़रूरत है. वी नीड टू अलाओ, देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल. हम टेक्निकल चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं, हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सारी दुनिया करती है, मतलब इसमें कोई वो नहीं, थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं और वो कवर दे के एक वेल थॉट आउट प्लानिंग के तहत आप अपनी प्राइस रेंज डिटरमिन करें और बार बार फ्लक्चुएशंस ना हो. क्योंकि देखें जो फ्लक्चुएशंस है ना, फिर लोगों के कोपिंग मैकेनिज्म्स ख़राब हो जाते हैं उससे. आम आवाम को वो तो इतनी ज़्यादा जो इंस्टेबिलिटी है या फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं उनको तो नहीं समझ आएगी ना कि इसको किस तरीके से अब हम मैनेज करें जब उनकी इनकम वहीं की वहीं है, वेजेस वहीं के वहीं है. टेक्नोक्रेट्स इस वक्त सपोर्ट कर नहीं रहे गवर्नमेंट को? नहीं, देखिए टेक्नोक्रेट्स कोई वो मतलब पॉलिटिकल लोग तो नहीं होते ना, पॉलिटिकल नहीं है, बट अदरवाइज पॉलिटिकली आई मीन पॉलिटिकल राय तो ले रहे हैं टेक्नोक्रेट्स से भी. बिल्कुल. आई थिंक उसका रिजल्ट तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, मतलब लुकिंग एट दीस थिंग्स के वो बेनिफिट ट्रांसफर होने की जरूरत है. अच्छा, दूसरा ये कि जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट जो लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं जिस तरह ट्रेडर्स हैं, उस पर थोड़ी बहुत पॉलिसी हो सकती है कि थोड़ी सी मतलब इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ी बहुत चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें जिस तरह दुनिया भर में होती है. बट हमारे मुल्क का मसला यूजुअली इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड ही होता है कि वो चीजें आप पॉलिसी लेवल पे कर तो देते हैं, वो पेपर मतलब पे आ जाती लेते हैं, आप करते अपने. हाँ, ये मामला है, सीधे सीधी बात अगर तो थोड़ा सा इसको रिग्रेस किया जा सकता है कि जब आपने अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नीचे गिरी और आप अपना कंट्री में वो फ्यूल प्राइसेस नीचे लेके आ रहे हैं, तो यू जस्ट मेक श्योर कि किस किस्म के पॉलिसी मैकेनिज्म्स इन प्लेस रख दिए जाएं कि ट्रेडर या बिजनेस कम्युनिटी या जो चीज़ें मतलब मार्केट में, वो थोड़ा सा उस चीज़ को दे आर फोर्स टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट दैट एंड पास ऑन द बेनिफिट टू द कस्टमर्स. तो ये चीज़ तो आपकी जायज़ है कि आम बंदे तक जो है वो पहुंचना चाहिए. अच्छा, पंजाब में स्पेशली हम देखा कल से खबर रिपोर्ट हो रही थी कि मरियम नवाज साहब ने स्ट्रिक्टली कहा कि चूँकि प्राइसेस कम हुई हैं ऑयल की तो उसका एक इम्पैक्ट आना चाहिए, किरायों में कमी और दीगर जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए. लेकिन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं अगर सिर्फ यही इफेक्टिवली काम करें नेशन वाइड, तो आपको लगता है कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है? इफ्स एंड बट्स नो, ये मतलब ये वो हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. बिकॉज प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ मतलब ये थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप को एक वो कहूँगी कि इकोनॉमी के अंदर एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म भी होता है. अगर वो बेनिफिट पहुँच रहा है वो शॉर्ट रन में शायद पॉकेट करेंगे प्रॉफिट्स, अगर वो कंसिस्टेंट रहेगा तो मार्केट के अंदर इस किस्म के मैकेनिज्म्स हैं कि वो ट्रांसफ़र करेगा. इससे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बट ये मेरा थ्योरेटिकल स्कूल ऑफ थॉट या जो भी जैसे आप कह सकते हैं इसको, कि मार्केट सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स उसके होते हैं और उसको अगर आप कंसिस्टेंट रखेंगे तो वो इवेंचुअली कस्टमर के ऊपर भी वो बेनिफिट आएगा. ज़्यादा देर तक जो है
अपने तक ट्रेडर या बिजनेस कम्युनिटी वो नहीं रख सकती बेनिफिट. तो बट ऑल्सो आई थिंक इट्स अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एवरी वन, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर बेनिफिट है तो आप यू हैव टू रियलाइज कि इस वक्त हम बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और जो सबसे मतलब मेरे ख्याल में जो लोएस्ट इनकम ब्रैकेट है 40% हम बिलो द पावर्टी लाइन है, कोई 14 मिलियन लोग जो हाउस होल्ड्स हैं वो गुर्बत, मतलब ये जो लेस देन $3.5 अ डे, तब तो हमें खुद ही ख्याल करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी ग्रीडी एट दिस पॉइंट कि हम बस हर चीज़ प्रॉफिट बना लें, लग्जरी की तरफ जाने के बजाय बल्कि अपने एक्सपेंस भी कट डाउन करें, सपोर्ट करें उनको. हाँ, और प्रॉफिट जो आप बना रहे हैं उसको थोड़ा कम कर लें और आम बंदे को फायदा दें ताकि यू नो मतलब the country needs to survive. ये बहुत मुनासिब बात है कि इसको नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आप काम करें एज एन इंडिविजुअल. बहुत शुक्रिया कोमल साहिबा, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगु कर रही थी. नाज़रीन में ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हुकूमत ने आईनी तरमीम के मुसवदे की कुछ तफसीलात तो फराहम कर दी हैं. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार के इजलास से ख़िताब किया और इस मुसवदे के मुख्तलिफ हिस्सों पर बात की. कहा कि मुसवदे में आईनी अदालत के क़याम, जुडिशल कमीशन की तश्कील ना और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जैसी तरामीम शामिल थीं. दूसरी जाने मौलाना फजल रहमान ने मुजवजा आईनी तरामीम के मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि मुसवदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया. वो कहते हैं ये क्या खेल था, कहते हैं लेकिन जो कुछ भी हमें दिया गया वो हमारे लिए किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं था. जबकि वफाकी वजीर इत्तला'आत अता तारा ने कहा है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरामीम का अपडेटेड मुसवदा तैयार कर लिया गया है. वजीर दफा ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा कि बिलाल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसवदे पर मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे हैं, यानी स्टिल बातचीत हो रही है. पीपल्स पार्टी JUI आईनी तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं. हुकूमत के पास भी एक मुसवदा है और तीनों मुसवदों पर मुजाकरात होंगे और मुतफिका मुसवदा बनाया जाएगा जिसके बाद बिल बनेगा फिर पेश किया जाएगा. इस पर आज हम बात करेंगे. नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया. खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. ज़रा कुछ रोज़ से डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ ये मुसवदा ही है जिसे कभी मुसवदा कभी ड्राफ्ट कभी बिल और कभी तजावीज़ कहा जाता है. कभी एक ड्राफ्ट कभी दो कभी तीन कभी एक ही जमात में कहा जाता है कि मुख्तलिफ ड्राफ्ट सामने आ रहे होते हैं. आपके सामने कोई ड्राफ्ट आया था बाय द वे? जी बहुत शुक्रिया आपने मदु किया, लेकिन एक अवामी नुमाइंदा होने के तहत जिसने ये तमाम कानून साजी के जख्म खाए हैं, मुसवदा तो तभी हम पढ़ेंगे जब काबीना उसकी मंजूरी दे देगी. उससे पहले तो सब थेरी है और क्यास आराई है और निगोसिएशन है. तो लिहाजा वो बहुत सारे मुसवदे हम तक पहुंचे हैं लेकिन असल वक्त उसी की होगी जो जिसको काबीना मंजूरी देगी, तब हम उस पर बहस कर सकते हैं कि उसमें क्या चीज अच्छी है और क्या नहीं. उसके अलावा तो ये एक कहना चाहिए फ्लूइड डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ चीजें ऐड हो रही हैं कुछ डिलीट हो रही हैं. लेकिन ज्यादा अहम बात यही है कि जमहूरियत में जब भी कमी रह जाती है तो उसका इलाज मजीद जमहूरियत है. तो लिहाजा अगर एक एफर्ट हुई उस पर अब मजीद एफर्ट होगी, मजीद गुफ्तगु होगी और ज़रा एफर्ट देखा जाए तो मौलाना साहब को मनाने के लिए भी बड़ी एफर्ट्स की गई हैं. रात गए तक मीटिंग्स चलती रही हैं, बातचीत का सिलसिला उनके साथ चलता गया. अब ज़ाहिर उनकी तरफ से मुस्तरद करने का भी ऐलान किया गया है. ये रिजेक्शन इसको समझा जाए या उनको एतराज़ात थे कुछ चीज़ों पर? जी नहीं, उन्होंने जो तजावीज़ उन तक पहुँची थी उन्होंने उस पर अपनी राय का इजहार कर दिया. लेकिन ये कोई चीज़ हमें अमर माने नहीं है कि नई तजावीज़ जो है उनके सामने ना रखी जाए, क्योंकि ये जो भी पूरी डिस्कशन थी तजावीज मुसवदा जो भी वो चूंकि काबीना तक पहुंचा ही नहीं तो लिहाजा वो तो सिर्फ एक थेरी है जिस पर हम बात कर रहे हैं. नहीं खुर्रम साहब थेरी तो ना कहिए ना, अगर थेरी होती तो इजलास ना बुलाया जाता पार्लियामेंट का. बार बार इजलास बुलाना मौखर करना, आखिर कुछ तो था जिसको पेश करना था मंजूर कराना था. नहीं नहीं मैं ये नहीं है कि कुछ नहीं था लेकिन चूंकि वो काबीना तक पहुंचा ही नहीं तो लिहाजा उस पर ये कहना कि जी इसकी ये चीज गलत है और ये यही तो मेरा सवाल है. काबीना के पास गया नहीं था तो फिर इजलास क्यों बुलाए जा रहे थे बार बार? जी तवक्को ये थी कि जैसे ही इस पर एग्रीमेंट हो जाएगा तो काबीना इसकी मंजूरी दे देगी और मंजूरी के फौरन बाद उसको पार्लियामान में पेश कर दिया जाएगा. अच्छा ये एक्सपेक्ट किया था, तो यही था प्लान ये था लेकिन वो प्लान फिलहाल नहीं हुआ. लेकिन प्लान अभी भी यही है कि नो मैटर व्हाट पूरी ट्राई की जा रही है कि मुसवदा तैयार हो जाए, काबीना से मंजूर हो जाए, फिर बिल पेश किया जाए. तो इसमें मतलूबा तादाद मिल जाएगी वोटों की मौलाना फजल रहमान को, क्योंकि ज़रा मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है.
जी, हुकूमत अपनी कोशिश जारी रखे हुए है और जैसे ही कोई एग्रीड डॉक्यूमेंट के करीब पहुंचते हैं तो आईनी तरमीम एक ऐसी चीज है जिस पर तमाम जमातों को दावत दी जा सकती है, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत के साथ हो, कि वो आकर इसको देखें। और जितना ज्यादा कंसेंसस, सिर्फ ये नहीं कि वो मैजिक नंबर अचीव करना है, जितना ज्यादा कंसेंसस से किसी डॉक्यूमेंट पर अचीव किया जा सकता है वो करना चाहिए। और हमें, चूंकि हम सब की जो याददाश्त है वो आरजी है, हम भूल जाते हैं कि 18वीं तरमीम के लिए 250 से जायद 250 से जायद मीटिंगें हुई थी, उसके इजलास हुए थे जिसके बाद वो उसको फाइनल किया गया था। तो लिहाजा ऐसे मामलात में वक्त तो लगता है, और अगर कोशिश यही है कि सिंसेरिटी से ये जो रिफॉर्म है इसको कर दिया जाए। ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि सबको सेम पेज पे लाना और अपोजिशन को भी लूप में लेना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अभी आपको लग रहा है कि आइंदा दिनों में हाँ अपोजिशन के साथ भी शेयर किया जाएगा, उसके बाद उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा ताकि एक ट्रस्ट के साथ चला जा सके? जो शेयर किया गया वो पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया ना? एग्जैक्टली, नहीं वो देखिए अपोजिशन का तो काम ही रिजेक्ट करना है, लेकिन कम अज कम उन्हें दावत खलूस से दिल से देनी चाहिए और दे दी जाएगी कि वो इसको देखें, और अगर वो समझते हैं उसमें अगर कोई उनकी ऐसी सोच है या नजर है जिसपे अगर बात हो सकती है तो करनी चाहिए। अच्छा एक बात की है ना, अली मोहम्मद खान साहब ने खुले दिल से और शफाफियत से होना चाहिए, लेकिन एक बात जो अली मोहम्मद खान साहब ने कल की उस पर ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, आता तारड़ साहब ने भी उस पर तनकीद करते हुए एनआरओ का ताना दे दिया उनको, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं होते तब तक हम किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं करेंगे। तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? जी बानी चेयरमैन की जमात जो है उसका अवाम के मसाइल हल करने में जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं। उनका वाहिद इंटरेस्ट यह है कि बानी चेयरमैन को कैसे हमने एनआरओ देकर बाहर लाना है या दिलवा कर बाहर लाना है। तो लिहाजा आप देखते हैं कि जहां भी लेजिस्लेशन होती है या बजट होता है उनका सारा जोर जो है वो आप ऐवान के अंदर और बाहर एक बलवा और फसाद और फितना और शोर करने पर है, लेकिन जो असल मामलात हैं अवाम की फलाह के और उस पर सोच, जिस पर सोच विचार की जरूरत होती है या संजीदगी की जरूरत होती है, तो बानी चेयरमैन की जमात के करीब संजीदगी तो करीब भी नहीं फटती। वो तो मुस्तकिल एक शोर और हंगामा और केओस क्रिएट करना चाहते हैं जो समझते हैं कि उनको इक्तदार के करीब ले आएगा। तो खुर्रम साहब, ये जो आवाम के मसाइल की आप बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में तो हम पार्लियामेंट में देख रहे होते हैं कि क्या कुछ चल रहा होता है, वहाँ पर भी तो आवाम के मसाइल के हल की बात तो नहीं हो रही होती ना? अगर अपोजिशन की तरफ से कोई बात हो रही होती तो हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आता है, हुकूमत की तरफ से बात हो रही होती है अपोजिशन की तरफ से रिएक्शन होता है, आवाम के मसाइल के हल की बात वहाँ पर डिस्कशन तो हम वैसे भी नहीं देख रहे होते दोनों साइड्स पे। और वैसे साइनिंग तरमीम से भी आवाम के मसाइल हल होंगे? अवाम के मसाइल के हल होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, चूंकि सारी ऑक्सीजन जो है वो सक कर लेती है ये सियासी डिस्कशन, लेकिन आप देखिए कि तमाम जो मौशी इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत हो गए हैं। पिछले महीने आपको पता मालूम है कि महंगाई जो है वो अगस्त 2021 के बाद सिंगल डिजिट में हुई, फूड इन्फ्लेशन अभी उतने ही अरसे के बाद अब 4% शहरों में और 1% हमारे देहाती इलाकों में हमने देखा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मुस्बत था अगस्त के महीने में, यानी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा ज़र मुबादला आया जितना वो बाहर गया। पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 15 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहे हैं। तो हर लिहाज से जो मौशी इशारे हैं वो मुस्बत हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि हमने इस पर भी सेगमेंट किया आपके आने से पहले, हम इस पर डिटेल से बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस पर, लेकिन ये हम सबको जो पाकिस्तानी हमारी भाई और बहनें किचन की खरीदारी करते हैं उन्हें कम से कम ये एहसास हुआ है कि कीमतें बढ़ना बंद हो गई। हाँ, पहले जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी, बढ़ रही है, थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, इसको यूं कर लेते हैं खुर्रम साहब। अच्छा, नहीं, बातें बाद आपको जी पता है आटे में जो सबसे बुनियादी हमारी कमोडिटी है उसमें तो 50% से ज्यादा की कमी हुई है, तो वो हम सबको महसूस तो हो रहा है, लेकिन जिससे मैंने कहा ये जो हमारा एक मुस्तकिल एक हाहाकार है मीडिया के ऊपर, उसके अंदर वो तमाम जो खामोश चीजें हैं या खामोश सेटिस्फेक्शंस हैं वो गायब ही हो जाती हैं।
अच्छा एक एक कमेंट बस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, पीटीआई का लाहौर में होने वाला जलसा जिस पर वो लोग अभी तक कह रहे हैं कि हम जलसा करेंगे और ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, जो तकरीर हुई है इस्लामाबाद में जो हालात बने उसके बाद उसकी पेश नज़र वो ये फैसला करते हैं, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, क्या होने वाला है, क्या होगा? जी मैं फिर दोबारा अपनी बात दोहरा, जलसा हो या ना हो, पीटीआई का पाकिस्तान के अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है, उनको हल करने में उनके पास कोई तजवीज नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई हरकत नहीं है। शुक्रिया, जलसा हो या ना हो, आप कह रहे हैं जलसा होना फर्क नहीं पड़ता। खुरम साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, में आगे बढ़ना है एक और मौजू की तरफ, थोड़ी सी बात हमें हेल्थ की करनी है और कराची की बात करेंगे कि बारिशों के बाद स्पेशली हम देख रहे हैं कराची में मच्छरों की बहुतात है, डेंगी और मलेरिया इसके केसेस बढ़ चुके हैं, हर दूसरे घर में ये रिपोर्ट हो रहा है कि वायरल बुखार है और एक से दूसरे को लग रहा है, लग रहा है। एक घर में अगर एक बीमार है तो हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े वो सब बीमार हो रहे थे, और ऐसे में अगर देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों की बात करें या बाकी हॉस्पिटल्स की बात करें वहाँ पर डेंगी और मलेरिया के जो केसेज है उसको बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। एक्जैक्टली, बहुत सारे लोगों को चिकनगुनिया पता भी नहीं है कि एक्चुअली ये क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एट द सेम टाइम शुएब एक ये भी है कि जो टेस्ट है इन तीनों के वो काफी ज्यादा महंगे, आम इंसान की पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ब्लड रिपोर्ट होती है सिर्फ कंप्लीट ब्लड करवा दे, एग्जैक्टली सीबीसी वो करवा दिया जाता है और उसके थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा होता है। ऐसे हालात क्या है कराची के और स्पेशली जब हम हॉस्पिटल्स की बात करें, डॉक्टर हमाद ने हमें ज्वाइन किया है जिना अस्पताल से, डॉक्टर हमाद बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर हमाद थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त क्या हालात हैं, जब हम देखते हैं केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, किस किस्म के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वाकई दुरुस्त बात है कि बहुत से लोग टेस्ट नहीं करवा रहे होते जस्ट बिकॉज के वो एक्सपेंसिव होते हैं? जी जनाब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, मतलब गुज़िश्ता डेढ़ महीने पहले मतलब जो मुसलसल बारिशें हुई हैं उसकी वजह से मच्छर, ये डेंगी मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इनके टेस्ट कुछ जब बाहर करवाते हैं, बाहर मतलब प्राइवेट लैब्स में, तो 2 से 4 हज़ार के दरमियान होते हैं, तो हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं वो बाहर से तो अफोर्ड कर नहीं पाते, तो जेपीएमसी एक गवर्नमेंट अदारा है, गवर्नमेंट सेटअप पे या सिविल हो गया गवर्नमेंट सेटअप पे, वहाँ पर ये रिपोर्ट्स वगैरह लैब सब फ्री होते हैं, और मैंने नोट किया है कि वहाँ पर 50 केसेस डेली तकरीबन मतलब डेंगी मलेरिया या चिकनगुनिया के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। अच्छा हमाद ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप देखें मलेरिया की अगर बात करें, डेंगू की बात करें, तो लोगों को जाहिर है इस हवाले से अवेयरनेस अब काफ़ी हद तक आ चुकी है, चिकनगुनिया इसके हवाले से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, थोड़े से इसके सिम्टम्स के बारे में बताइएगा कि क्या होता है, इसके इनिशियल सिम्टम्स कौन से होते हैं? जी चिकनगुनिया जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली डेंगू की तरह ही होता है, और ये फैलता भी एक मच्छर के काटने की वजह से, वो मच्छर जो मतलब एक स्टैग्नेंट वाटर पड़ा होता है बाहर गली में, कोई खड्डा वगैरह है या हमारे घर में कोई ऐसा पानी रुका हुआ है, कोई गंदगी है, उसकी वजह से मच्छर आते हैं, वो अगर किसी को काट लेते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली बॉडी पेन होता है, फीवर होता है, जॉइंट्स पेन होता है, जॉइंट्स स्वेलिंग होती है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसे ही होते हैं डेंगू और चिकनगुनिया, और चिकनगुनिया की टेस्ट कुछ ज़्यादा ही महंगी है डेंगू और मलेरिया से। कोई एहतियात जो आप बताना चाह रहे हो इस वक्त हमारे नाज़रीन को, कि ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं, थोड़ी सी एहतियात है जो कि इस वक्त हमें लाजमी करनी है स्पेशली कराची के पर्सपेक्टिव से? जी एहतियात इनका इस तरह कर सकते हैं, हम अपने बच्चों और अपने प्यारों को इन मच्छरों से बचाना है, उसके लिए हमें फ्यूमिगेशन करवानी होगी, अपने घरों में नेट्स का इस्तेमाल करना होगा, कपड़े प्रॉपर पहनने, अपनी स्किन को प्रॉपर कवर करना होता है, और घर में अपने जो बर्तन वगैरह है उनको कवर करना होता है, बाहर जो पानी रुका हुआ है गंदा पानी या गंदगी है कुछ कोई भी, तो उसको ख़त्म करवाना होता है। जो वैसे भी हम यही कह रहे होते हैं कि स्प्रेस का इस्तेमाल घर में करें और खड़ा पानी वहाँ पर ना छोड़ें, वो भी अपनी जगह पर है। अच्छा, ये जो केसेस हैं ये बच्चों में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या फिर बड़ों में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या ये भी रेशियो सामने आया है? नहीं, ऐसा कुछ रेशियो तो सामने नहीं है, मैं मतलब असल में इमरजेंसी जेपीएमसी में होता हूँ ना, तो वहाँ पर तो एडल्ट ही आते हैं NICH में, तो केसेस लाजमन आते होंगे वहाँ पे भी। सही, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एहतियात हम सब ने खुद करके, केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट है, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी शहर से है, बारिशें हैं नहीं है, खड़ा पानी आपने कहीं पर नहीं छोड़ना, इसके अलावा स्प्रेस का इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम शाम के टाइम फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहने, और कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को भी बचाएं और खुद भी बचें। बिल्कुल, चलें आगे बढ़ते हैं। सबीन,
केपी के बहुत से इलाके जिनके हम नामों से मुतालिक अक्सर बात करें तो हमें उनका सही तलफ़ुज़ नहीं पता होता। हाँ, ये बात वैसे आपने ठीक है, और वो बड़ा माइंड करते हैं कि हमारे इलाके का नाम आपने ठीक नहीं बोला। ओनरशिप है ना ऑब्वियसली, और हमें पता होना चाहिए कि कैसे उन प्रॉपर उन इलाकों का तलफ़ुज़ है, हम उसको उसी तरह से अदा करें। तो हमारे पास आज एक रिपोर्ट है केपी के मुख्तलिफ इलाकों से मुतालिक, उनके नामों से मुतालिक कि असल प्रोनाउंसिएशन क्या है। शहजादा फहद की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पुख्तुनख्वा, जिसके लिए अंग्रेज़ी का दुरुस्त मुखफ्फ लफ्ज़ आता है केपी, लेकिन आम तौर पर गलत यानी केपी के बोला जाता है। इसी तरह कई अजला जिनके नाम गलत हैं, इनमें ज़िले टांग, ज़िले बटाग्राम, कोलई पालस, ज़िले तोरगर, ज़िले बुनेर, दिर तैमरगरा, शांगला अलपूरी, ज़िले खैबर की तहसील लंडी कोतल, जमरोद और मुलागोरी शामिल हैं। पिशावर के कई इलाकों के नाम भी सूबे से बाहर गलत बोले जाते हैं, जिनमें मतनी, चमकनी, बडबेर, माशुगगर, पिश्ताखरा, सरबंद, बुडनी, दलजाक रोड, मथरा, तहकाल, पलोसई, दाऊदजई, रिंग रोड, मिचनी गेट, वर्सक रोड शामिल हैं। शहजादा फहद, हम न्यूज़, पिशावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे एक काम किया शहजादा फहद ने कि ये अल्फाज हम सबको पता होने चाहिए कि किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है इन सारे इलाकों को। अच्छा, काफ़ी सारे इलाके जिनका विजिट नहीं किया जाता, जिनका पता भी नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनके नाम हम वैसे गलत बोलते हैं। ऐसे ही अच्छी तरह से पेशावर के कुछ मारूफ इलाकों की बात हम करें ना, उसके बारे में भी आपने ज़रा रिपोर्ट देखी, कुछ और इलाके भी होते हैं ऐसे में। तंगी एक इलाका है, आई डोंट नो, इट्स तंगी और तंगी केपी में है ना। अच्छा अच्छा, मुझे क्या पता किस तरफ का, मैं गया थोड़ी, नाम सुना है मैंने सिर्फ तंगी। ये केपी वाले हमें जरूर बताएं, हम भी थोड़ा इस पे सर्च करते हैं और साथ साथ बताएं। और साथ साथ हम, अच्छा ये भी बताएं कि आपके इलाके का कौन सा नाम है जो लोग गलत लेते हैं, जो लोग गलत लेते हैं और आप उसको करेक्ट करवाना चाहते हैं, तो हम जरा इस पर भी आगे चल के बात। एब्सोल्युटली, चलिए एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक, जो सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। पेंसिल जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अब जाहिर है हम अक्सर पेपर की बात करते हैं, जब पेंसिल की हम बात कर रहे होते हैं तो उसको बनाने के लिए कितने दरख्तों को काटा जाता है। बिल्कुल, एक बिजनेस जरूर है, हमारी नीड जरूर है, बट जाहिर सी बात है हमने जिस तरह से नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया हुआ है उसका एक इम्पैक्ट हम अभी भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और जाहिर है आइंदा दिनों में, आइंदा सालों में हम उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा भी देखेंगे। वैसे भी इनोवेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कितना अच्छा हो जाए कि दरख्त की जगह इस्तेमाल शुदा जो कागज होते हैं उसके जरिए पेंसिल को तैयार किया जाए, यानी माहौल को बचाया जाए। माहौल को बचाया जाए। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले दो स्टूडेंट्स की मैं इस वक्त बात करूंगी जिन्होंने इस्तेमाल शुदा से पेंसिल तैयार वो कर रहे हैं, और इस पेंसिल की एक और खास बात है, वो खास बात यह है कि इसमें अपनी मर्जी का बीज भी आप ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, सीड। Exactly. सीड, ताकि क्या हो कि उसके बाद जो है वो बीज जो है उसे पौधा भी उगने लगे। आइडिया क्या है ये कि एक तो जो इस्तेमाल शुदा कागज है उसके थ्रू जो है वो पेंसिल तैयार की जाती है, और उसके बाद उसके अंदर आप बीज भी, सीड भी अपनी मर्जी का ऐड करवा सकते हो, ज्यादा आप उससे पौधा जो है वो ग्रो कर सके। तो जिस दोनों स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमत है और मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस पेंसिल के बारे में जरा बताइएगा कि किस तरह से इस्तेमाल शुदा कागज से इसको तैयार किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले ये हमारी जो पेंसिल हम बना रहे हैं ये तैयार की जाती है वेस्ट पेपर से, जो कागज़ ज़ाया हो रहा है। हमने क्या किया, जो कागज़ हमने देखा कि हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% कागज़ ज़ाया हो रहा है, और दूसरी साइड पे जो है वो हमारे जो कंट्री है, मतलब जो हम पाकिस्तान है उसमें जो पोल्यूशन का रेट है, पाकिस्तान मोस्ट थर्ड पोल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है। तो ये प्रॉब्लम हमने माइंड में रखी, तो हमें जो है वो इन सब प्रॉब्लम का सलूशन हमने ढूंढना था। तो फिर हमें ये पता चला जब हमने रिसर्च की कि हर साल पाकिस्तान में 251 मिलियन वुडन पेंसिल्स की प्रोडक्शन होती है, जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट होते हैं, जो कि बहुत बड़ा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो फिर हमने क्या किया, जो कागज़ ज़ाया हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर, ठीक है, हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकल किया और उससे पेंसिल बना दी, या पेंसिल देख सकते हैं, और देन पेंसिल के टॉप में हमने बीज ऐड कर दिए, सीड्स। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं जिससे पौधा उगेगा, और ये बीज कस्टमाइज है, मतलब कस्टमर अपनी मर्ज़ी से भी इसमें बीज ऐड करवा सकता है, और ये टोटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। हमने इस, ये हैंडमेड है बाय द वे,
ये हमने हाथ से बनाई है। इस पेंसिल को बनाने के लिए किसी भी किस्म का हमने जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, और इवन हमने जो है वो एक न्यू प्लांट की जो है वो लाइफ के लिए सीड्स भी ऐड की हैं। बेसिकली हमारी एक प्रोडक्ट है। महमूद आप भी बताइएगा, ज़ाहिर प्रोडक्ट से मुतालिक तो मुदस्सर ने बताया कि हैंडमेड भी है, थोड़ा सीड की बात भी कर ली, आइडेंटिफाई किया कि श्योर उसको सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ गए। कितना वक्त लगा, क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, कैसे काम मुकम्मल हुआ, और जब पहली पेंसिल तैयार हुई तो व्हाट वाज द फील? ओके, तो हमने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया। शुरू शुरू में हम इनोवेशन हब में थे, अब हम इंक्यूबेशन सेंटर में हैं। तो बेसिकली हमें हुकूमत की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और अभी जो हमारे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हमारी फंडिंग के। हम इसको बड़े लेवल पर हम लॉन्च करना चाहते हैं, हम इसको लाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो एक सस्टेनेबल और माहौल दोस्त प्रोडक्ट यूज़ करे। इसके लिए तो हमें जो चैलेंज आ रहा है वो हमें फंडिंग का ही आ रहा है, और हम गुजारिश करते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज से कि वो हमें अगर इसमें कोई हमारी मदद कर सकती है तो वो हमें फंडिंग दे दे। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है एक ऐसा कॉज है जिसके लिए तो सबको काम करना चाहिए और हुकूमत को तो सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो आप लोगों को इसमें सपोर्ट कर सके। अच्छा वैसे कितनी कॉस्ट एक पेंसिल में इन्वॉल्व होती है? अभी जो हम पेंसिल बना रहे हैं हाथ से बना रहे हैं तो अभी हम इसको सेल कर रहे हैं 40-50 रुपीज़ में, बट जब यही सेम चीज़ हम मशीनरी से बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट हम 25-30 रुपए तक लें, इवन 20 रुपए तक भी हम लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें फंडिंग रिक्वायर्ड है ताकि हम कोई भी बच्चा है वो इजीली इस प्रोडक्ट को बाय कर सके, तो इसीलिए हमें जो है वो फंडिंग रिक्वायर्ड है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप इसको आम करना है तो कॉमन यूज़ के लिए करना है तो 40-50 रुपये की एक पेंसिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो खरीद नहीं पाएगा, तो कम से कम इसको 10-20 रुपए पे ले जाना पड़ेगा और कम करें। अच्छा महमूद जो हाथ से बनाने की बात है थोड़ा सा प्रोसीजर अगर बता सकें कि कैसे हाथ से, आई मीन यूज्ड न्यूज़पेपर या बाकी चीजें और हाथ से आपने पेंसिल तैयार कर ली कैसे? ये बेसिकली बहुत ही मुश्किल और ध्यान वाला काम है। एक न्यूज़पेपर लेंगे आप उसमें और उसके ऊपर लेड रखेंगे, देन हम उसमें रोलिंग करते हैं। बेसिक जो स्टेप है वो रोलिंग क्या है कि हमने उसको रोल करके उसमें पेंसिल तैयार हो जाएगी, फिर उसके टॉप पर हमने सीड ऐड करने हैं तो कैप्सूल लेके उसमें बीज डाल के तो हम इस पर चिपका देते हैं। तो इसमें ग्लू यूज़ होती है और अखबार यूज़ होता है। बेसिकली ये है कि आप जब रोलिंग का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि हमने ध्यान भी रखना होता है कि पेंसिल जो है वो बिल्कुल सही एक स्मूथ जो है वो इसका हमें बाद में इसकी लुक दे और ये शॉप भी इजीली हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये हमें चैलेंज है कि हमें हाथ से बनाने में ये भी एक चैलेंज है, इसीलिए हम मशीनरी की रिक्वायर्ड हमें है। सही, बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन भी किया इसको। ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे कि आपको फाइन और आप इसको एक कमर्शियल प्रिपरेशन की तरफ लेकर भी जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप माहौल को तहफ्फुज दे रहे हैं बाय डूइंग दीज एफर्ट्स। और कॉस्ट तो लगानी पड़ेगी, कॉस्ट तो लगानी पड़ेगी, वो अब जाहिर सी बात है आप लोग एक लेवल तक कर सकते हैं, बट हुकूमत को अगर नए इनिशिएटिव्स लेने तो उस पर्सपेक्टिव से आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली महमूद अहमद सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अच्छा इनका तो शुक्रिया, क्योंकि जाहिर है इन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया। क्या हम रूटीन में अपने आसपास जो भी अच्छा काम कर रहा हो, अच्छी बात कर रहा हो, कोई अच्छा एक्ट हो, किसी के लिए कुछ सपोर्टिव सिस्टम, आपके पास कोई भी नेमते हैं, आपके पास फैसिलिटीज किसी भी किस्म की, हम हमेशा यही कह रहे होते हैं ना कि फलाने के पास ये, हमारे पास तो ये नहीं है, तो क्या हम अपनी जिंदगी में ग्रेटफुल होते हैं या नहीं होते, इस पर आज हमें बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वेलकम बैक जी। सुबसा के मैं आपको कहीं खुश आमदीद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जिस पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कि आप दिन में कितनी मर्तबा आपके पास जितनी नेमतें हैं, जो भी आपके पास फैसिलिटीज हैं, उसके बारे में शुक्र अदा करते हैं, अब फील करते हैं, फील करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास हैं। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे माइंड में बस ये चल रहा होता है फलाने ने ये चीज़ अपलोड कर दी तो ये चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए। वो एक बात होती है ना, लगती है ना कि बेहतर से बेहतरीन तक की ख्वाहिश जो होती है, ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। तो पॉजिटिव अंदाज से आपने बात कर दी कि ठीक है, किसी की चीज देख के आपने कहा कि हमारे पास क्यों नहीं, वरना एक और दूसरा मामला भी होता है, क्यों है उसके पास ये? हाय ये तो जेलेसी वाला, ये तो हसद वाला मामला है, ये तो बड़ा गलत मामला है। एब्सोल्युटली जिसके पास होती है चीज वो भी चली जाती है। खैर ये तो अभी हम छोड़े, वो तो फिर हमने उस दिन डिस्कस भी किया। अच्छा हमने ये सवाल लोगों से भी किया कि आपने डेली बेसिस पर शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं आसपास लोगों का, रिश्तों का, तो क्या जवाब लोगों ने दिया आपको सुनवाते हैं? आपने लास्ट टाइम थैंक यू किसको कहा था और क्यों कहा था? अपनी फ्रेंड को कहा था, उसने मुझे गिफ्ट दिया था ना,
तो इसलिए मैंने उसे आगे से थैंक यू कहा. इवन टुडे एज आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ और आई एवरी डे से थैंक यू टू माई स्टूडेंट्स एंड इवन आई टीच देम दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से थैंक यू टू लाइक वेन एवर समवन डू समथिंग गुड टू यू वी शुड से थैंक यू. मैंने लास्ट टाइम अभी शायद किसी को रास्ते में अपनी सिस्टर को ही बोला होगा या किसी शॉप पर ही बोला होगा, बट आई डोंट नो, बट हाँ बोलना चाहिए, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर मैंने अपनी मदर को किया था व्हेन आई गॉट गोल्ड मेडल फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी. सो जो भी मेरी कामयाबी थी उसके पीछे उन्हें कहा था, तो ये सबसे बेस्ट मेरा लाइफ का थैंक यू था जो मैंने अपनी मदर को किया था. आज सुबह अपने घर वालों को थैंक यू बोला था मैंने नाश्ते पे. आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने थैंक यू अपनी फ्रेंड को बोला था क्योंकि उसने मुझे मेरे साथ डिनर शेयर किया था अपना. मेरी पर्सनली जो हैबिट है, मैं तो कोई रास्ता भी दे दे तो उसका भी दो बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा करने से आपके इखलाक का पता चलता है, और शुक्रिया अदा करना बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता है. थैंक यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट टाइम मैंने अपनी फ्रेंड्स को किया है. शुक्रिया अदा अपनी वाइफ को किया कि वो जल्दी से तैयार हो गई. चलें जी, ये लोग हमें बता रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने किसका शुक्र अदा शुक्रिया अदा जो है शुक्रिया भी शुक्र भी शुक्र भी वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं. अच्छा, अब किस तरह से हम इसको मजीद अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आज हम इस बारे से बात करेंगे. आप हमें कॉल भी ज़रूर कर सकते हैं कि कैसे वो जो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग होती है ना, वो आप अपने अंदर जो है वो एड ऑन कर सकते हैं ज़िंदगी में, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी में. हमारे साथ मौजूद लाइव कोच जी कासिम बेग साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आपने शुक्रिया का अदा किया था आखिरी बार, और किसका किसका अदा किया? अभी मेरे साथ एक वर्कर थे, काम कर रहा था उनके साथ, तो okay. उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प आउट की मॉर्निंग टाइम में, okay. तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया. तो डेली बेसिस पे मेरी एक हैबिट है कि आई ऑलवेज थैंकफुल टू द पर्सन विच आर एसोसिएटेड विद अस, जो हमारे साथ अटैच हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा, वैसे वेस्ट में हम देखें, हम अगर किसी दूसरे मुल्क जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, थैंक यू और सॉरी का बहुत ज़्यादा रिवाज है. थैंक यू का तो बहुत ज़्यादा रिवाज है कि कोई किसी के लिए दरवाज़ा भी खोलता है तो थैंक यू बोला जा रहा होता है. तो क्या ये कहा जा सकता है वो लोग ज़्यादा ग्रेटफुल हैं या वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं? और हमारी सोसाइटी में शायद हम ग्रेटफुल होते हैं लेकिन हमें एक्सप्रेस करने की स्पेस नहीं मिलती, या हम, मैं समझता हूँ कि रस्मन भी कह रहे होते हैं बाज़ औक़ात, अगर मजबूरन कहना पड़े. कई जगहों पे ईगो इशू आ जाता है कि मैं क्यों किसी को थैंक यू कहूँ, और कई जगहों पे एज अ फॉर्मेलिटी जो है ना वो कह रहे होते हैं. तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि वेस्ट में इसका जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है. yes. छोटे से ले के बड़े तक ना, वहाँ पे ये पहली एजुकेशन है कि रेदर दैन इफ़ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स और ग्रेट, बट अगर आपको ये नहीं पता एथिकल वैल्यूज़ का, उसी में ज़ाहिर है ये चीज़ आती है. सादी सी बात है सर, वहाँ कोई रास्ता दे दे आप कहते हैं थैंक यू, और यहाँ कहते हैं नज़र नहीं आ रहा टोन ही चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे बहरहाल ये चीज़ें हैं, और आज का टॉपिक इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अवेयरनेस के लिए लोगों को कि हमें सुबह शाम जो है ना, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए उसकी नेमतों पे, और फिर जितने लोग हमारे साथ अटैच हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उसके अलावा जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, सबका हमें थैंकफुल होना चाहिए. अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी अपनी अपनी लाइफ के ऊपर? आप कितना पॉजिटिव फील करते हैं जब आप इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि आपके इर्द गिर्द रिश्ते हैं, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, सिर्फ ये नहीं कि उसके पास ये चीज़ है तो मुझे ये चाहिए. जेलसी का एलिमेंट तो है, अगर आप एज अ सोसाइटी देखें तो हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि फलां के पास अगर ये चीज़ है, इसको आप कॉम्प्लेक्स इशू भी कह सकते हैं. हालांकि ये कहा जाता है कि आप उन चीज़ों को ना देखो जो आपके पास नहीं है, आप उन चीज़ों को देखो ना जो आपके पास हैं, और वो भी अगर आप काउंट करने पे आएंगे तो शायद पूरा दिन रात ख़त्म हो जाए और आप उन चीज़ों को काउंट ना कर सकें. बाय सेइंग थैंक यू, हमारे ज़हनी असर उसके क्या होते हैं, उसके ज़हनी असरात? स्पिरिचुअली भी आप कह लें, या अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं. ओके. एक पॉजिटिव एनर्जी कह लें कि आपके अपने लिए भी और आपके आसपास जो लोग हैं उनको मिल रही होती है. तो आपकी ज़हनी या आपकी जिस्मानी सेहत हो, उन दोनों चीज़ों के लिए आपका ये एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है. और डेफिनेटली इसके फवायद ही हैं, इसके नुकसान तो है नहीं. तालुकात बहुत अच्छे होते हैं आपके आसपास, और लोग आपसे मिलना, बात करना, कोई रिलेशनशिप रखना पसंद करते हैं अगर आपके अंदर ये एलिमेंट है. अगर आप बहुत कह लेंगे रूड रहते हैं, या आप बेशक दिल से वो कर रहे हो लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है लोग कहते हैं नहीं हम दिल से तो उसको अच्छा समझते हैं, उसने बड़ा अच्छा काम किया, तो आपको यू मस्ट हैव टू अप्रिशिएट हिम कि अगर उसने अच्छा काम किया. फलाने को पता ही नहीं है, फिर तो आप दिल में रख के बैठ गए. दिल में रख के बैठ गए, नहीं मैं दिल से बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ. उसका फायदा नहीं है जी, जो आप हैं वो आप
नजर आ रहे होते हैं, दिल विल का कोई चक्कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जी जफर नकवी साहब है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी जफर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह सलामत रखे बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। एग्जैक्टली यानी दीन इस्लाम की बुनियाद यही है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कम से कम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और लोगों से प्यार से मिलो। मेरा भांजा आया हुआ है अमेरिका से, मेरी छोटी बहन का बेटा सगा, तो तकरीबन 30 साल बाद अब हमें उसके सराउंडिंग में घूमना फिर रहा है कि यहाँ के लोग उसे बेवकूफ ना बना दें। वो इन और आउट एक है, वहाँ कोई है यानी वो तो कहते ना चालाकी अयारी मकारी। हमारे यहाँ तो बेटा सब्जी खरीदना भी मुश्किल है, हम तो ठेले वाले से सौदा लेते हैं, तुलवाते हैं सामने तो वो थैले बदल देता है। हम बस बेटा बड़ा अच्छा मौजू है, आइंदा इसे भी लेके चले थोड़ा सा। जरूर जरूर यार, जफर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी कीमती राय है। ऑब्वियसली आप सबकी हम राय सुनना चाहते हैं कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, तो बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहिया जी हमारे रेगुलर कॉलर है, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम यहिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुबह सुबह मौका देते हैं कि बात करने का, अच्छी बात बताने का। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस, और आपके गेस्ट को भी बहुत सलाम हो। और सभी मैं आपकी ड्रेस की तारीफ किए नहीं रुकूंगा क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग के ड्रेस, कलर्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए शुक्र गुजारी के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र हमें इसलिए अदा करना चाहिए कि आप यकीन करें कि हम वो जैसे इन्होंने कहा ना बहुत प्यारी बात की जो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, हमेशा आप नीचे से देखेंगे ना तो आपको अपनी चीजें सही नजर आएंगी। जो खुशियां हैं ना वो छोटी छोटी चीजों में है, हम बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में नाशुक्र बन जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मेरा सवाल की मैं ज्यादा टाइम दूंगा, सवाल ये कि कुछ लोग होते हैं जैसे आप किसी लिए काम कर रहे हैं, आप उसकी अपनी जान लगा रहे हैं, इतनी आप वो थैंकलेस जॉब आप कर रहे होते हैं कभी कभार, तो सम टाइम यू फील कि यार ये बंदा मुझे कभी इसने थैंक यू नहीं बोला, कभी शुक्रिया अदा नहीं किया, मेरा अप्रिसिएशन नहीं किया, तो हमारी जो फीलिंग्स होती है दैट टाइम वो नेगेटिव फीलिंग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है सर, पहले रिस्पॉन्ड करें इस सवाल को। असल में एक चीज़ तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है वो देख रही है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, तो लोग अगर आपके उस चीज़ की पज़ीराई नहीं भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इस पर आप ईमान रखें कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, वो ज़ात देख रही है, और अगर उस जगह पर ना सही कहीं ना कहीं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है ना, जरूरी नहीं कि उस जगह पे हो, बेशक ऐसे। तो इसको दिल में रख के ऐसा नहीं कि आप फिर मेहनत अच्छा काम करने जोड़ दें, नेकी करें, अच्छा काम करें, लोगों से एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो इन रिटर्न अच्छा करेंगे, अल्लाह की ज़ात है जो कि आपको उसका सिला देगी। एक और कॉलर है कलर कहार से अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और तकरीबन हर बंदे के लिए उनकी फीलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो वापसी जो रिगार्ड मिल रहा था वो अच्छा नहीं मिल रहा था, उसकी क्या वजह होती है? ये सेम सवाल ही है जो पहले भी हमारे कॉलर ने किया, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। बल्कि अगर आप लाइन पे मौजूद हैं, एक छोटा सा सवाल आपसे कर लेते हैं, जो भी हम अच्छा काम कर रहे होते हैं किसी शख्स के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी और ताल्लुक में, तो क्या वो हम अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे होते? अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होते हैं, बस फिर तो उसका सिला अल्लाह ने दिया है। बेहतर से बेहतर दूसरों के लिए करना चाहिए, एक सोचें ऑब्वियसली अच्छा दूसरों के लिए करें, अच्छा तो इन रिटर्न जो है वो आपको अच्छा मिलेगा, एक्सपेक्ट ना करें लोगों से। एग्जैक्टली, एक और कॉलर जी। बिल्कुल एक और कॉलर जी। हाय हाय हाय, यहां जो निकला ना इट हर्ट्स, आई मीन दैट्स ट्रू, बड़े छोटे खाई इन्होंने मुझे ऐसे लग रहा है जिंदगी में, दैट्स ट्रू। मैंने छोड़ दी एक्सपेक्टेशंस रखना, अब अच्छा काम करें बस अल्लाह की रजा के लिए। एक मिनट रुकते हैं, ऐसे ऐसा क्यों? अब जब अल्लाह की जात पे इतने दुखी नहीं, नहीं दुखी नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं इस फेज में आ गया हूँ कि अब मैं कहता हूँ बस अल्लाह की रजा के लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है। उस बंदे ने शुक्रिया अदा किया है नहीं किया, क्या सोचा क्या नहीं सोचा, नॉट माई प्रॉब्लम, मैंने अपनी खुशी के लिए किया था, मेरी अपनी तरबियत थी तो मैंने किया था, अल्लाह के लिए किया। और अगर लोग इन रिटर्न आपको कुछ नहीं देते कोई मसला नहीं है, नहीं वो हुआ था ना इसलिए मैं उस लेवल पे आ गया हूँ। कॉलर है जी हमारे साथ नसीम मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? सलाम जी नसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने कहा कि जब थोड़े पे शुक्र करेंगे तो मैं और अता करूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसी है, आप शुक्र अदा करते जाएं अल्लाह आपको और नवाजता चला जाएगा, जब आप शुक्र अदा करना छोड़ दें तो आपके लिए नेमतों का सिलसिला भी रुक जाता है। नसीम साहब, आप जिंदगी में आप सबसे ज्यादा शुक्रगुजार, कोई भी नेमतें आपके पास हैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल आप किस चीज के लिए हैं? चल लाइन ड्रॉप हो गई है, कासिम साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हाँ।
रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम अपने शुक्र अदा करने की हैबिट को डेवलप करें तो इससे ज़िंदगी और बेहतर होती है, बड़े बड़े मकासद अचीव करने में आसानी मिलती है आपको? डेफिनेटली ऐसा ह्यूमन नेचर है ना, आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप कह लेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। तो इसका तो जितना भी हम इस पर बात करें कम है, और शायद ये एक प्रोग्राम या एक शॉर्ट सी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये उसमें कम हो कि अगर हम नेमतों को देखना चाहें। और नफ्सियात की जो मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों ने भी, कॉलर ने भी कहा कि रिवॉर्ड नहीं मिलता है, इंसानी नफ्सियात बहरहाल है कि मुझे मेरी हौसला अफजाई की जाए। तो ये जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरे आपके लिए या चंद लोगों के लिए नहीं है। अगर एज अ होल आप सोसाइटी में देखें, हर आदमी अगर ऐसा करना शुरू हो जाता है तो शायद ये गिले शिकवे हमें सुनने को ना मिले। क्या बात है, इसकी बहुत जरूरत है। वो ये ना, सबीन के इट हर्ट्स। अच्छा, एक और कॉल है वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? बस जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक आपके जो एंकर बात कर रही थी, किसी से तो एक बड़े साहब ने बात की थी कि रास्ते में जो कोई रास्ता दे उसका शुक्रिया अदा करना। तो वाकई अगर हम जब गाड़ी चला रहे हों और हमें रास्ता दे हम उसका शुक्रिया अदा करें, तो मैं समझता हूँ कि जो रास्ते में लड़ाई झगड़े तो होते हैं ना, वो बहुत ना कम हो जाएंगे, और टेंशन जो है गाड़ी चलाने की वो बहुत हद तक जो है ना खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, एक दूसरे का शुक्र अदा कर दें कि हाँ जी आपने हमें रास्ता दिया। आपने रास्ता दिया, एक तो पहली बात है कि रास्ता दें और जिसने आपको रास्ता दिया उसको शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की कासिम साहब, शुक्रिया साथ मौजूद थे, आपकी बात दुरुस्त थी, वक्त बड़ा मुख्तसर, टॉपिक ऐसा टॉपिक। क्या करें, हमारी भी मजबूरी समंदर को कूजे में बंद यही हम रोजाना करते हैं। ब्रेक की तरफ जाना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बैंकिंग का शोबा तेजी से तरक्की तो कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहां हम देखते हैं कि उस तरह से रसाई नहीं होती। एट द सेम टाइम इसी पॉपुलेशन में हम देख रहे होते हैं, स्पेशली हम सोशल इकोनॉमिक क्लासेस की बात करें तो बहुत से लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता, बनाने जाएं तो मसला, इसके सैलरी स्लिप दिखाएं जी, बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे होते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो नहीं कर रहे होते। अच्छा, खवातीन के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, बड़े मसाइल होते हैं, और फिर अब्बा का के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और आपकी अपनी ओनरशिप नहीं होती अगर आप ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल जिसमें फिर आप को ट्रांजेक्शन के लिए बड़ा मसला हो रहा होता है। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट और भी है सबीन, जब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जाहिर है बहुत से घराने पाकिस्तान के ऐसे जिनको हुकूमत सपोर्ट कर रही होती है, उनको जाहिर है अमाउंट्स जा रही होती हैं, तकरीबन 650 अरब एक तखमीना है कि सालाना डिसबर्समेंट्स हो रही होती हैं इन फंड्स की पूरे पाकिस्तान में, जाहिर है उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। अब उसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि हम दीगर प्लेटफॉर्म्स भी देख रहे हैं, जैसे कि जैस कैश हम देख रहे हैं कि उसके थ्रू आपको पैसे मिल जाते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि देही इलाकों में उसकी रसाई है, ख्वातीन को उसका पता है, वो उसको यूज़ कर रही होती हैं। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप और उसके बाद उसके थ्रू इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं कि आप पैसे भेज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, कर सकते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। एब्सोल्युटली, आज हम इसी मौजू पर बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जैस कैश में पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप के सरबराह आरिफ महमूद चौधरी साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। वेलकम साहब। आरिफ साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुझे नहीं पता था कि जैस कैश इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट, और वो भी इसका हिस्सा बन चुका है। जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में पिछले 16 साल से चल रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हैं, उनके तक पेमेंट की रसाई के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था इन 2008। अब अगर आज की तारीख की हम बात करें तो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पाकिस्तान में 93 लाख ख़वातीन इनरोल हो चुकी हैं। 93 लाख ख़वातीन जिनको हर क्वार्टर में 3 महीने के बाद 10,500 रुपये की रकम मिलती है। सही। तो अगर हम एक खातून की बात करें और उसकी 2-3 बच्चों की भी बात करें तो 4 से 5 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होता है। आपने ठीक कहा, जैस कैश इसमें पहले नहीं था, पहली दफ़ा 1 महीना पहले जब इनका नया कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसमें वी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड वी गॉट सम शेयर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने पाकिस्तान में क्लस्टर्स बनाए हुए हैं सारे प्रोविंसेस के, और उसके अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं बेनिफिशरीज़ को। तो अगर आप जैस कैश की बात करें तो इस वक्त हम पाकिस्तान में 13,19,750 ख़वातीन को जैस कैश सर्व कर रहा है। अच्छा, और अक्रॉस ऑल 4 प्रोविंसेस। अगर हम पंजाब की बात करें तो साउथ पंजाब में रहीम यार खान में 4.25 लाख बेनिफिशरीज़ को उनकी रकम जैस कैश के थ्रू मिल रही है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो कारान और चागाई में जो ख़वातीन हैं उनको हम सर्व कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप सिंध की बात करें तो नवाबशाह, बेनज़ीराबाद, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, सांगर, मिटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद में हम सर्व कर रहे हैं।
आपने शाकिर का नाम लेके मुझे इतना अमेज्ड कर दिया कि मतलब बिल्कुल एक कॉर्नर ऑफ बलूचिस्तान का वहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए जी। थोड़ा शफाफियत पर भी बात कीजिएगा कि अक्सर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सी वीडियोस हमारे सामने आई भी हैं, बहुत से लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि पूरी अमाउंट नहीं मिलती, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो जैस कैश इसको कैसे इंश्योर करता है और मजीद कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? जब हमें ये अवार्ड हुआ तो इसमें हमने यही सोचा कि जी हमने कुछ ऐसा करना है जो बाकी बैंक्स जो हैं वो ना कर रहे हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क के लिए, कि ये जो बेनिफिशरीज़ हैं हमारी, इनको हम ये रकम सबसे पहले तो नहायत इज्जत और एहतराम से दें ताकि उनका जो वकार है वो बुलंद रहे। बहुत प्यारी बात। तो उसके लिए हमने अक्रॉस पाकिस्तान, मैंने जिन जिन जगहों की आपको बात बताई है वहाँ पर हमने कैंप साइट्स इंस्टॉल की। उन कैंप साइट्स में हमने तंबू लगवाया, टेंट लगवाया, कुर्सियों का अरेंजमेंट किया, ठंडे पानी का अरेंजमेंट किया, क्योंकि आपको पता है सिंध में गर्मी भी बहुत होती है। फिर जब ये लाखों की तादाद की बेनिफिशरीज होते हैं तो वहाँ पे रश भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा ये मकसद था कि सबसे पहले तो इनको इज्जत और वकार के साथ पैसे मिले जाएँ। जहाँ आपने शफाफियत की बात की तो उसमें देखें ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 93 लाख लोग हैं, 100% तो हम नहीं कह सकते, बट जैस कैश की हद तक तो मैं कह सकता हूं कि जी हमने इसमें बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स और मेजर्स लिए हुए हैं। हमारा एक फ्रॉड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमने सेटअप किया है इसके लिए खास, जिसके अंदर टीम डेडिकेटेड है। हमें जहां से भी कोई कंप्लेन आती है हम उसी वक्त उस एजेंट के ऊपर, हमने SOPs बनाए हुए हैं, हम फौरन एक एक्शन लेते हैं। दूसरा, अगर बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इदारे की, तो उन्होंने भी हमें और बाकी पार्टनर्स को कहा यह गया है कि इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सर्व किया जाए। जहाँ कैंप साइट होती है वहाँ पे हमारे एजेंट्स पहुँच जाते हैं। तो जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पे हमारी जो टीम्स होती हैं वो इंस्पेक्ट भी कर रही होती हैं, बिस्प की भी ऑन ग्राउंड टीम्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो कोशिश इसमें ये है कि 99.9% एटलीस्ट इसमें शफाफियत रहे, जो कि रहती है, कहीं इक्के दुक्के वाकयात ज़रूर हो जाते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट का आगाज़ किया कोई आज से 40-42 दिन पहले, और आज की तारीख में मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ जैस कैश ही है जिसने मेरा ख्याल है 40 दिन के अंदर 9 अरब रुपए तकसीम कर चुका है इन खवातीन में इन 40 डेज। तो मेरा ख्याल है ये तो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अगर बात करें बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से भी, तो उस लिहाज से भी जिन इलाकों में नहीं, वो जिस तरह हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि इतने डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं और उसके बाद ये घर के सरबराह का कुछ दिखाएं, बाप का कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएं एंड ऑल दैट, तो आपकी अपनी ओनरशिप उस तरह से नहीं रहती। तो उस लिहाज से भी वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसको भी तो बहुत अच्छे तरीके से जैश कैश जो है वो सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा देखें, जहाँ पे ये बिस्प की अगर खसूसन हम बात करें तो जो हमारी ये खवातीन है इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनको माशी तालीम दी जाए। वो तालीम इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि इनको जब ये पैसे मिलते हैं ये समझ सकें कि इन्होंने उसका किस तरह सही इस्तेमाल करना है उन पैसों का। अब उसके लिए ये कोई सिलाई मशीन ले लें, कोई ऐसा कोई इनमें हुनर हो जो ये स्किल सेट हो, कोई कल को होम में काम कर सकें, उसके लिए हमने ये किया है कि हमने अपनी हर कैंप साइट के अंदर 2 खवातीन को वहाँ पे मौजूद रखा है जिनका सिर्फ काम मुआशी तालीम फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है। तो वो इनको बताएंगी, जिस तरह आपने बात की कि खवातीन के अकाउंट नहीं खुलते तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह यहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकती हैं, उस अकाउंट से कैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के आपके कोई बिल हैं, कोई फीस है, कोई टैक्स है, कोई भी आपकी पेमेंट है वो आप जैस कैश की ऐप से कर सकते हैं। तो इसमें इनको खवातीन को इंक्लूड तो करना है हमने इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में, बट साथ साथ हमने इनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी देनी है ताकि ये एम्पावर हो सकें, अपने सही फैसले कर सकें, इन पैसों का सही और मुस्बत इस्तेमाल हो सके। एंड दैट इज वन वे कि हम पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ जा पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स या प्लान्स हैं जैस कैश के, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन? जैस कैश गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी G2P की पेमेंट्स हैं उसमें बढ़ चढ़ के हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट भी करता है और गवर्नमेंट के साथ निशाना बिशाना खड़ा है जहाँ जहाँ जो मदद हो सके। आज से चंद साल पहले वज़ीरिस्तान वाना की जंग हुई, उसमें IDPs 25,000 से 30,000 फैमिलीज़ हैं जिनको हर महीने जो पेमेंट मिलती है वो जैस कैश के थ्रू ही मिलती है। इसी तरह आज से कोई 1.5-2 साल पहले सैलाब आए, उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई, उसमें सिंध हुकूमत ने कहा कि जी ये जो हमारे लोग जिनका नुकसान हुआ है इनको उन्होंने एक कैश की अमाउंट डिसाइड की, उन्होंने कहा जी ये कैश हमने इन तक पहुँचानी है, वर्ल्ड बैंक ने उसमें तआवुन किया, सिंध हुकूमत को उसकी ग्रांट पेश की। तो उसमें जैस कैश ने, मैं आपको बताऊं, ऑन ग्राउंड लोगों के फुल फ्लेज 1.5 लाख मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स बनाए। अच्छा। और उन तक ये रकम तकसीम हुई, हर 3 महीने बाद उन तक ये रकम पहुंचती है। और उसके बाद हमने जब देखा कि वो लोग उन पैसों का करते क्या हैं, तो हमने फिर उसमें देखा कि जी लोगों को अगर दी जाए सहूलत और उनको बताया जाए वॉलेट अकाउंट क्या है, कैसे करते हैं,
तो वो उन्होंने उससे दीगर पेमेंट्स भी की उस ऐप पे जाके, किसी ने कोई बिल अदा किया, किसी ने अपने भाई को पैसे भेजे, तो वो सारी चीजों की सहूलियत का इस्तेमाल भी साथ साथ हुआ। बट वो आपकी वाली बात, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग नहीं करेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर। एनीथिंग यू वांट टू ऐड एट द एंड? एक और इसमें हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये ज़रूर किया है कि जी, क्योंकि ये मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, तो हमने एक कॉल सेंटर में एक डेडिकेटेड लाइन जो है वो बनाई है, जिसमें तमाम रीजनल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। वंडरफुल। क्योंकि अगर किसी खातून को कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी ज़ुबान में बात करके फौरन उसका मैसेज कन्वे करें, हम तक पहुँचे और हम उसको रिजॉल्व कर सकें। जबरदस्त सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जबरदस्त काम जैस कैश की तरफ से। जब हम बात पॉवर्टी एलिवेशन की कर रहे हैं, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात करें, तो उसमें ज़ाहिर है बहुत अच्छा काम करें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मीठा चिकन, मीठी बिरयानी, मीठा पराठा, चलो मीठा पराठा बनता है, मीठा पराठा हो जाता है, मीठा सालन है? सब कुछ मीठा कहाँ पे? ये जनाब वो बात होती है, खाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको क्या मीठा लगता है और क्या उसको कड़वा लग रहा होता है। ऐसा ही है, कहने जो अच्छा लगे उसे मीठा, जो अच्छा लगे वो मीठा। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन जाहिर सी बात है जब मैंने मीठी बिरयानी, मीठे चावल की बात कर दी तो वो सब समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है जी, मजदूर है ये, लेकिन टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस है और अब तो इंस्टाग्राम पे भी हम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी इनकी धूम है। अमीन खान, अमीन खान बड़ी से वीडियो बनाते हैं जी, पूरा उनकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है उसको बस एक वीडियो की फॉर्म में पेश करते हैं, सबके सामने अपलोड करते हैं और लोग उनकी सादगी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये वो वाली बात है कि आपको को वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती जी, इक्विपमेंट हमारे पास होगा तो उसके बाद हम फेमस होंगे, अदरवाइज हम कोई चीज इनिशिएट नहीं कर रहे होते, बस एक सादा सा फोन और उसके बाद अपनी सादी सी जिंदगी, पूरा दिन वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं, ये सारा कुछ जो है वो वीडियो के थ्रू मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, लेकिन साथ में आप मजदूर से ज्यादा टिकटॉकर हैं। अमीन खान साथ मौजूद हैं। अमीन खान कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आए टिकटॉक की तरफ? टिकटॉक बस चौक में बैठे थे, काम नहीं होता था, ठीक है, तो एक दिन मैंने टिकटॉक बनाया एक मिनट का। अच्छा, तो उस पर अर्निंग होता है ना, तो मैंने 15 सेकंड की बनाती लेकिन इसमें इतने व्यूज नहीं आ रहा था, पुश्त वाला चैनल पर, उसको मैंने खत्म कर दी। फिर नए जब चैनल खोला तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया, इस पर 2000 व्यूज, मैं काफ़ी खुश हो गया, ठीक है, 2000 व्यूज आ गया। फिर दूसरे दिन अपलोड के 4000 तक जाए, जो तीसरे वीडियो मैंने अपलोड किया ना तो 20-25 हज़ार उसने क्रास किया। अच्छा। तो धीरे धीरे सारा वीडियो जो ना मैंने अपलोड करता वायरल होना शुरू हो गया। जबरदस्त। तो मैंने बोला ये तो, और मजदूर मेरे साथ बैठते थे ना, बोलते ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे कैमरे में नहीं लेकर आना, मैं ठीक है मैं नहीं ले आऊँगा। अच्छा। फिर मैंने दिनों खुद मैं खुद ही वीडियो बनाऊँगा सब कुछ, जो काम होगा या नहीं होगा, जिधर काम पर गया ठीक है तो मैं अपना जो एक मिनट का वीडियो पूरा करूँगा, जिधर जाकर 15 सेकंड पार्ट लिया, कहना कहे 15 सेकंड का पार्ट लिया तो घर जाके वो एडिट करके एक मिनट वीडियो बनाता था, उसको टिकटॉक पे अपलोड करता था। एडिट भी खुद ही कर लेते थे? खुद ही करता, सब वॉइस और सब खुद ही करता। ये खुद से सीख लिया बस करते करते टिकटॉक पे? हाँ, खुद सीख जाते बंदा ना, उसको पता होता है कि मैं आज इधर आ गई मिसाल तौर के। हाँ। फिर काम की जगह जाएगा, आपने सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह वीडियो सिंपल एडिट करूँ। अच्छा, वैसे कुछ वीडियो बनाने से पहले पिछले दिन सोचते हैं रात में कि कल मैंने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ें मुझे कैप्चर करनी है, या बस दिन शुरू होता है और जो कुछ आता जाता है सामने बस उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं? वही ना, जो आपने ज़िंदगी में जो भी रियल आते हैं ना वो आपको बताना पड़ेगा ना कि आज मैंने काम मिला, आज मैंने बिरयानी खाया। हाँ। आज मैंने खाना नहीं खाया। मेरी बात सुने, बिरयानी मीठी कैसे होती है? बिरयानी मीठी, चिकन मीठा, सब कुछ मीठा कैसे? मैं टेस्टी बोल रहा था। अच्छा। हमारा पश्तों में अगर बोले ना टेस्टी के मीठा दोनों एक चीज़ है। हाँ। लेकिन आपको उर्दू में ये नहीं बोलना चाहिए कि मीठा, लेकिन मैं गलती से मेरे से हो गया ना तो इसके साथ सारा जो है ना, ये गलती सबको आपको पता, बड़ा बड़ी पसंद है, आप बड़े फेमस हो गए इसी चीज़ के ऊपर कि बिरयानी भी मीठी, सालन भी मीठा। लेकिन अभी मुझे पता, देखो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, आते टिकटॉक पे, मुझे कमेंट पढ़ना नहीं आता ठीक है, लेकिन हाँ। वो लोग खस थे, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने एक दोस्त को बताया, यार ये मेरे जो कमेंट से आता है इस पर हंसी मजाक ज्यादा होते हैं, इसमें क्या लिखा हो? हाँ। बोलते मीठा मीठा बोलते, चिकन बिरयानी तो मीठा नहीं होता। बोले हमारा पश्तों में तो ये मीठा है, उसको बोल देता है ना, मैं तो अपनी जगह सही हूँ। पश्तों में ये होता है ना कि कोई चीज़ आपको मजे की अगर लग रही होती है तो वो पठान यही कहते हैं कि बड़ी मीठी चीज़ है। ठीक। अच्छा, इससे कमाई भी शुरू हो गई, कमाना शुरू हो गया इंस्टाग्राम और टिकटॉक से? टिकटॉक जो है ना, मेरा पहला पाकिस्तानी अकाउंट था ना, उसको मैंने बंद कर दिया, मैंने पहले भी आपको बताया। फिर मैंने यूके के, मेरे एक दोस्त थे, मेरा क्लास फेलो था। अच्छा। तो उसको मैंने बोला मेरा एक अकाउंट दे दें टिकटॉक के, बोलते मैं दे दूँगा मुश्किल नहीं। शाम को मेरे को उसने अकाउंट भेज दिया, पहले वीडियो अपलोड किया मैंने आपको बताया था ना, तो 10,000 पर पे मोनेटाइज हो जाते हैं। ठीक है। जैसा तकरीबन मैंने 10 दिनों में मोनेटाइज किया था, 1,00,000 व्यूज, 10,000 पर आपको होना चाहिए। जैसे मोनेटाइज हो गए, दूसरे दिन मैंने वीडियो अपलोड किया, 50,000 व्यूज पे आ गए। मोनेटाइजेशन के बाद आपको अर्निंग मिलेगा। शाम का टाइम का मैंने अर्निंग चेक किया ना, तकरीबन $10 बना हुआ था। बस मुझे पता चल गया कि अभी मैं रेगुलर काम करूँगा इस पर, काम भी करता रहूँगा, अर्निंग भी शुरू होगा।
जैसा महीना पूरा हो गया तो मेरे $110 जो है ना पाउंड बन गया, सही है, तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये तक बनते, 364 पर एक ना डॉलर से 70 रुपये महंगे, सही, तो बस मुझे काम कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो ये तो वैसे बड़ी एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास है जी, कि किस तरह से लोग कामयाब हो रहे हैं जिंदगी में, एक बस अपनी पूरे दिन की, वो कहते हैं लगन होती है, कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर कर रही है। उसी रात मुझे नींद नहीं आया, ठीक है, तो 30 तारीख को आपको विड्रा करना पड़ता है पेनियर अकाउंट पे, ठीक है, अगर अमेरिका के अकाउंट है आप तो ना पेपाल पे अकाउंट करना पड़ेगा। तो मैंने नींद नहीं आ रहा था, मैंने जैसे तारीख बदली होगा ना मैं पैसे विड्रा करूँगा, मुझे नींद नहीं आ रहा था। अच्छा, जैसे एक बज गया ना मैंने पैसा विड्रा किया, फिर मुझे नींद नहीं आ रहा था ये निकालूंगा कैश टाइम, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था। अच्छा, सुबह मैं बैंक गया, मैंने बोला अकाउंट खोलवाने, बोले मैनेजर को, मैंने पहले पैसा ट्रांसफर करना, उसने मोबाइल से तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने बोले 3 दिन वेट करो आपका कार्ड आ जाएगा, फिर कार्ड आए बैंक अकाउंट, मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे काफ़ी खुश है, एक मजदूर के लिए 40-42 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बात है। आखिर में ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोग इसका काम पे भी कोई फ़ायदा हुआ है, कि लोग ढूंढ रहे होते हैं कि अमीन के पास जाना है और जाहिर ये अमीन से हमने काम करवाना है। टिकटॉक पर मुझे इतना नहीं, जब इंस्टाग्राम पर कम से कम 60-61 वीडियो मैंने डाले हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया काम के लिए, एक कमरा दो तय बुला लेते कर देता हूँ, ठीक है, अल्लाह आपको और इज्जत दे जी, कामयाब हो, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे नाज़रीन, वक्त खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे, अल्लाह हाफिज़।